गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग अपन 10:30 सुरुवात करतोय. एक जी सर. 90 मिनिटांनी ब्रेक घेऊया. ओके. ओके सर. यस सर. आणि आय वुड लाईक सेशन टू बी लिटिल बिट इंटरॅक्टिव्ह. त्याच्यामुळे तुम्ही अनम्यूट होऊन तुमचे कॉमेंट शेअर करू शकता. तुमचे डाऊट्स असतील ते क्लिअर करा. इफ यू हॅव एनी ओपिनियन फील फ्री टू शेअर सो दॅट आय कॅन ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू. सो लेट्स सर वी विल यूज मिक्स लैंग्वेज बिकॉज हिंदी पार्टिसिपेंट्स आर ऑल्सो देयर. सो हिंदी इंग्लिश. यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ओके सो बिल्कुल बेझिझक होके आपका ओपिनियन शेयर कीजिए. सो आई कैन लर्न फ्रॉम यू. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन्स कपल ऑफ सेशन्स विच आई विल कंडक्ट टुडे एंड टुमारो यू शुड हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग कि हमें अपना पीएचडी का थीसिस किस तरीके से कंप्लीट करना है. जो लोग थीसिस के बाद भी आगे रिसर्च करना चाहते हैं विच इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग फील्ड उनके लिए भी काफ़ी सारे इनपुट्स आपको आज और कल के सेशन में मिलेंगे. सो लेट्स बिगिन विद दी व्हाट अल्बर्ट आइंस्टाइन हैज सेड. फंडामेंटली जो चीज़ हम जानते हैं उसे हम रिसर्च नहीं कह सकते. जो चीज़ हम कर रहे हैं वो रिसर्च नहीं हो सकता है. रिसर्च बेसिकली ये अननोन टेरिटरी में एक्सप्लोर करना है. जो आपको पता नहीं है वो रिसर्च है. आप अगर ढूंढना चाहते हो कि आपकी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके ऊपर चीट कर रही है तो आप रिसर्च कर रहे हैं. और आपको ऑलरेडी पता है वो चीट कर रही है तो इट इज नॉट अ रिसर्च राइट. सो व्हाट वी नो टुडे इज समथिंग व्हाट वी कॉल इट एज ए इंफॉर्मेशन और नॉलेज. And what we intend to know or seek to know is a process, what we call it as a research. So, हम दो तरीके से बात करेंगे. First is a academic research, जिसके लिए आज आप सब लोग आए हुए हो. One more thing which I forgot to tell you, 10 दिन बाद आपकी online exam होगी. Okay? मैं मेरे presentation में कुछ चीज़ों को emphasize करूँगा. आप उसे kindly note कीजिए क्योंकि exam में वो सब चीजें पूछी जाएगी. दो विच आर इम्पोर्टेंट आई विल एम्फोसाइज राइट. सो आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू क्रैक द एग्जाम और आपको आपका थीसिस जमा करने के लिए वो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए. अदरवाइज इट विल बी द वेस्ट ऑफ टाइम मनी एंड रिसोर्सेज फॉर यू गाइस राइट. तो थोड़ा ध्यान दे के सुनिए और बेझिझक होके आपके डाउट्स क्लियर कीजिए राइट. सो हम लोग मोस्टली एकेडमिक रिसर्च और एप्लीकेटिव रिसर्च के ऊपर बात करेंगे. जो कि हम सब लोग पीएचडी कर रहे हैं तो एकेडमिक रिसर्च की जो गाइडलाइंस है वो यूजीसी के द्वारा सेट की जाती है. उसके ऑर्डिनेंस आते हैं. मैं आपको विनम्रता से दरख्वास्त करूँगा कि आपको जब भी टाइम मिलेगा तो आप ऑर्डिनेंस पढ़िएगा. ड्यूरिंग आपके टेन्योर में एक दो ऑर्डिनेंस तो आते ही होंगे. अभी जो लेटेस्ट आया होगा 16, 17 या 18, 19 का, डू रीड दैट व्हाट दे इंटेंड यूनिवर्सिटीज टू डू. बिसाइड दैट आपके इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की भी गाइडलाइंस होती है, वो हमें जानना जरूरी है ताकि हमारा काम गाइडलाइन के तहत हो जाए. अब जो हमारी यूजीसी गाइडलाइन कहती है द रिसर्च कुड बी वेरी डाइवर्स इन नेचर. आप इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कर सकते हो. आप एलियंस के बारे में ढूंढ सकते हो. आप भूत प्रेतों के बारे में खोज कर सकते हो. आप चींटियों के ऊपर, हनी बीज के ऊपर. सो देर आर नो लिमिट्स एज फार एज योर पीएचडी इज कंसर्न. जब तक रिसर्च रिकग्निशन कमिटी आपका सिनॉप्सिस अप्रूव करती है उसके बाद आपको वो काम करने के लिए फ्रीडम दिया जाता है. सो रिसर्च टॉपिक कैन बी वेरी डाइवर्स इन नेचर. ऑल्दो इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कैंडिडेट शुड और रादर एम्फोसिस ऑन हिज और हर ओन डिसिप्लिन विथ सर्टन इनपुट फ्रॉम द अदर डिसिप्लिन जिसको हम इंटर डिसिप्लिन रिसर्च कहते हैं. बट ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि वो किसी अनरिलेटेड टॉपिक के ऊपर कर ना पाए. वो अलाउ किया जाता है. अब एकेडमिक रिसर्च एंड एप्लीकेटिव रिसर्च में एक बहुत अहम चीज आती है द वर्ड री. रिसर्च में रिसर्च मतलब आप फिर से जाके उसे खोजिए. गो एंड सी इट अगेन राइट. नाउ व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ रिसर्च. इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. जैसे कि हम किसी पुराने टाइम सीरीज का डेटा लेते हैं. से फॉर एग्जांपल समबडी हैज कंडक्टेड अ स्टडी ड्यूरिंग 1990 टू 2000
और आप उस स्टडी को वापस 2015 से 2025 तक वो देखना चाहते हैं विद डिफरेंट मेथड, रिसर्च मेथड, तो आपको ऑब्वियसली डिफरेंट फाइंडिंग्स मिलेगी। तो रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू बी इन्वेंट द व्हील, यू कैन यूज द एग्जिस्टिंग व्हील एंड गिव अ न्यू डायमेंशन टू इट, और ये एक फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है बहुत अप्लीकेटरी और एज वेल एज एकेडमिक रिसर्च में। तो हमें जरूरी नहीं कि कोई आसमान से टॉपिक लेके आने का है और उसके ऊपर रिसर्च करना, आप कर सकते हो, बट तो अगर किसी ने उसके ऊपर पहले काम किया है तो मैं उस काम को बेहतर तरीके से सामने कैसे रख सकूं ताकि लोगों को उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़े। जैसे मैं 2-3 दिन पहले देखा था, एक कैंडिडेट ने नागालैंड के ट्राइब्स के ऊपर का स्टडी पब्लिश किया था। आई थिंक ही कवर्ड अराउंड 48 ट्राइब्स इन नागालैंड, और उसको हिस्टोरिकल वहाँ का जो सेटअप है, जियोग्राफिकल सेटअप है, उनके कल्चर है, ट्रेडिशन है, ही स्टडीड देयर सर प्लीज इवोल्यूशन। एक्सक्यूज मी, सर प्लीज जी एक्सक्यूज मी सर, आपका आवाज़ बहुत ब्रेक हो रहा है। आई नीड टू फोकस वेरी मच ऑन ऑन योर वर्ड्स सर, प्लीज इसको रिसर्च कीजिए। सर, इट एम इज आई क्लियर, ऑडियो यस सर, इट इज क्लियर? क्लियर, इट इज क्लियर सर। मैडम आपका कनेक्टिविटी थोड़ा सा चेक कर लीजिए, बिकॉज मुझे क्लियरली सुनाई दे रहा है, बाकी पार्टिसिपेंट्स आप लोगों को सुनाई दे रहा है? क्लियर हाँ, क्लियर सुनाई दे रहा मैडम। क्लियर क्लियर मैम, मैम, ठीक यस यस, है ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ओके मैं आपके लिए ठीक है मैम, आई विल चेक माई छत पे कनेक्टिविटी। आके बैठा हूँ, मैं आपके लिए छत पे आके बैठा हूँ, क्योंकि संडे को ना रिलायंस का मेंटेनेंस का काम चलता है। तो संडे को मैडम ने बोला कि हमारा पहला सेशन संडे है, तो आई थॉट कि कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं टेरेस पे आके बैठा हूँ। ओके नहीं ओके, इट सर, इज ऑडिबल सर, इट इज थैंक यू सर, ऑडिबल, थैंक। मैं हाँ अपना हाँ कनेक्टिविटी देख लेती हूँ सर, थैंक यू सर, हाँ एक ओके बार रीस्टार्ट करके देखिए, वी कैन जी डू जी दैट, जी राइट? जी ओके सर, थैंक सो यू। दैट कैंडिडेट कंडक्टेड अ स्टडी ऑफ 48 ट्राइब्स एंड ही टुक अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन द ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स एंड कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ नागा ट्राइब्स। सो बेसिकली आप अगेन जो पहले काम हो चुका है उसी को रिविजिट करके आप एक उसके ऊपर नया विचार उसके ऊपर आप सामने रख सकते हो। नाउ एक जो जनरल डेफिनेशन दी जाती है रिसर्च में, रिसर्च का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय रिसर्च, तो हमें उसका फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। उसका जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है इज टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चन इन नंबर वन ऑर्गेनाइज, नंबर टू लॉजिकल एंड नंबर थ्री सिस्टमेटिक फैशन। जब भी हम अपना पीएचडी का काम कमिटी के सामने सबमिट करते हैं तो ये तीन चीजें हमारे डॉक्टरल डिसर्टेशन में होना अनिवार्य है, और जब आप जाके पोस्ट डॉक करोगे या कोई प्रोफेशनल रिसर्च करोगे तो उसमें तो ये मैंडेटरी होता है, क्योंकि अदरवाइज आपको आपका रिसर्च एक्सेप्ट होने के चांसेस काफी कम होते हैं। तो व्हाट डू वी मीन बाय ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है काम करते समय आप जितने भी एरिया में जितने भी टूल्स इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे प्राइमरी टूल्स हो या सेकेंडरी टूल हो, सब पर डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है, बोथ इन दी सॉफ्ट फॉर्म एज वेल एज दी हार्ड फॉर्म। सेकेंडली, आपका जो रिसर्च थॉट प्रोसेस है उसको हम रिसर्च माइंड मैप कहते हैं, वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करना जरूरी होता है ताकि आप जो है आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव से डिस्ट्रैक्ट कम से कम हो। दूसरा जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, मैं जिसको मानता हूँ, वो है लॉजिकल। पहला मराठी में उनका तर्क, तुमच्या संशोधनामध्ये कुठे तरी तर्क असणं हे अति आवश्यक आहे। बिना तर्काचं केलेले संशोधनाचे अहवाल हे फक्त डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च म्हणून मानले जातात। सो हाउ डू यू पुट अ लॉजिकल आर्ग्युमेंट इन अवर वर्क? नाउ लॉजिकल आर्ग्युमेंट विल कम ओनली वेन वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड वी आर एबल टू कंटेम्पलेट अपॉन दैट, कॉमेंट अपॉन दैट एंड प्रोवाइड अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू डिपेंडिंग ऑन दी ग्राउंड वर्क यू हैव डन। कई बार ये देखा जाता है कि कैंडिडेट जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा प्रीफर करता है, स्पेशली साइंस के जो लोग होते हैं जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, दे कैन पुट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट वेरी वेरी इजीली। बट कॉमर्स, आर्ट्स, मैनेजमेंट, हिस्ट्री, लिटरेचर, इनको लॉजिकल आर्ग्यूमेंट डालना अनिवार्य है ताकि उनका जो काम हो वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में और सवाल खड़े करे। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट का
एक भी पहलू आता है कि हाउ वी आर गोइंग टू रेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हाइल प्रेजेंटिंग अवर ओन स्टडी। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वो रिसर्च तो नहीं हुआ था, एक बार मैं अपने गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न विदर्भ में वहाँ गया था कुछ काम से। तो वहाँ पे सर्च फाउंडेशन नाम की एक सोसाइटी है, फाउंडेशन है जो काम करते हैं, विच इज हेडेड बाय डॉक्टर अभय एंड डॉक्टर रानी बंग। ये 2015 या 14 की बात होगी। तो मैं बंग साहब के सवेरे सवेरे हम लोग पहुँचे नागपुर से। तो हम लोग बंग साहब को मिले, उनके रूम में गए, हमारी कुछ बातचीत हुई जिस काम के लिए हम गए थे। वी वे स्टडिंग अबाउट दी ट्राइबल हेल्थ इश्यूज इन गढ़चिरौली। तो उनके रूम में एक पेपर लगा हुआ था उनके नोटिस बोर्ड पे। तो मैं क्यूरियसली वो पेपर के पास गया और वो पेपर पढ़ने की कोशिश की। तो पेपर का टाइटल था, टोबैको इज नॉट द कॉज ऑफ कैंसर। तो अच्छा आई बिकेम लिटिल बिट ओवरवेल्म कि ये ऐसा पेपर क्यों लिखा गया। तो मैंने वो पेपर निकाल के पढ़ने की कोशिश की, हालांकि मुझे 5% से ज़्यादा समझ में नहीं आया उसमें क्या लिखा था। तो देन आई आस्क डॉक्टर बंग कि वाई दिस पर्टिकुलर जेंटलमैन हैज पुट सच ए रेडिकल और कॉन्ट्रडिक्टरी पेपर। तो ही टोल्ड मी दैट दिस पेपर इज रिटन बाय द लीडिंग ऑन्कोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर रिसर्चर है, उसका पेपर है और वो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से लिखा गया है। सो दिस इज बेसिकली चैलेंजिंग द ट्रेडिशनल नोशन। अब ये सही है या गलत है वी रियली डोंट नो, बट ये कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस लाएगा जिससे कि लोग सोचने के लिए या उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए मजबूर होंगे। मैं अभी 2 हफ्ते पहले एक रिसर्च ऑनलाइन कंडक्ट किया था, मैंने उनको एक एग्जांपल दिया। वुहान में जो आउटब्रेक आया था डिसम्बर 19 के बाद का, वहाँ पे एक छोटा सा रिसर्च किया गया कि उन लोगों को कोरोना ज़्यादा हुआ है जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि यार कोरोना केवल ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। अगर आप देखोगे ये डिसीज को तो देर इज अ एज ग्रुप, आपका प्री मेडिकल कंडीशन, तो दिस पर्टिकुलर रिसर्च वाज डन ओनली ऑन दी ब्लड ग्रुप। तो दे से दैट अगर आपका ये ब्लड ग्रुप है तो आपको 70-80% चांसेस होते हैं जिससे कि आप कोरोना से आप जो है बीमार हो सकते हैं। वैसी ही एक स्टडी हुई है जो अभी यूके में ऑफिशियली एक्सेप्ट की गई है, कई साल पहले हुई है। मॉस्किटो आप सब लोगों को काटते होंगे, मॉस्किटो उन लोगों को ज्यादा काटते हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होता है, जिसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, राइट? सो यूनिवर्सल डोनर, तो वो अभी दे आर ट्राइंग टू रिलेट वेदर द मॉस्किटो बाइट्स एंड कोरोना, दैट मीन्स द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ओ पॉजिटिव। क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है लगभग 30 से 40% लोगों का ब्लड ग्रुप ये ओ में आ जाता है, और जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आते हैं वो ओ निगेटिव, जो हमारे इंदिरा गांधी जी का कष है ओ निगेटिव तो वेरी रेयर ग्रुप, एंड देन यू हैव अदर ग्रुप्स लाइक ए बी निगेटिव। मेरी उसमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट जनरली ओ वाले ज़्यादा पाए जाते हैं, वो भी पॉजिटिव हैं। सो अगर उसमें हम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट डाल रहे हैं तो वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट हैज टू बी डिस्कस प्रॉपरली। इट इज नॉट फॉर द जस्ट सेक ऑफ ओपिनियन, इट शुड बी रादर अ डिस्कशन, डिस्कशन गिविंग लॉट्स ऑफ अदर एग्जाम्पल, राइट? एंड द थर्ड वन इज अ सिस्टमेटिक फैशन, जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। सिस्टमेटिक फैशन का मतलब है काम करते समय आपको उसका प्लानिंग करना है, त्याला मराठी नियोजन म्हणतो, आणि नियोजन पद्धतीने ते काम करायचं आहे। सो अगर आपने सिस्टमेटिक फैशन फॉलो किया तो आपका काम जो है वो सही तरीके से उसके अंतिम स्वरूप पे पहुंच पाएगा। जैसे हम खाना खाते समय सिस्टमेटिक फैशन से खाते हैं, राइट? हम पहले एपेटाइजर लेते हैं, फिर स्टार्टर लेते हैं, मेन कोर्स लेते हैं, डिजर्ट लेते हैं। अब कल मैं एक शादी में अमरावती में गया था, वो वहाँ पे कई सारे प्रोफेसर लोग आए थे यूनिवर्सिटी के। तो एक प्रोफेसर ने उल्टा चालू किया, वो बोले सबसे पहले मैं डिजर्ट खाता हूँ। और वो लाइट मोड में था इसलिए मैंने उससे ज़्यादा आर्ग्यू नहीं किया कि आप डिजर्ट क्यों खाते हो। तो बोले पहले डिजर्ट खाने से उसका टेस्ट अच्छा आता है, फिर बाद में मैं उल्टा मतलब मेन कोर्स पे जाऊँगा, फिर एपेटाइजर लूंगा, स्टार्टर लूंगा, फिर एपेटाइजर लूंगा। सो जो भी चीज़ें हम सिस्टमेटिकली करते हैं, रिसर्च हमारा सिस्टमेटिक फैशन से होना चाहिए जिससे कि गलतियां कम होने की गुंजाइश होगी। आप एज ए रिसर्चर, एवरीबडी मस्ट नो दैट योर रिसर्च मे और मे नॉट लीड यू टू द ट्रुथ।
आप सच्चाई के तरफ जा नहीं पाओगे, इट इज अदर एक्सरसाइज। ओके ड्यूरिंग एक्सक्यूज मी सर, जी कैन आई हैव अ क्वेरी, कैन आई आस्क? या श्योर, प्लीज प्लीज। सर आई जस्ट वांटेड टू नो वेदर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक। वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली सिस्टमैटिक इज अ सब कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइज। इफ यू आर ऑर्गेनाइज्ड देन यू आर ought to be systematic, but if you are systematic and you are not organized, then it cannot be true. So systematic is basically a sub domain of organized. So first you have to be organized. If you are organized, then automatically you will be systematic, but if you are not organized and you try to be systematic, then probably something shortfall or shortcoming will come through. Wo main aapko aage wale slide mein samjhaunga. So, आप सच्चाई की तरफ जा नहीं पाओगे, ये सब लोग जान के रखिए। बीच में somebody tweeted on the Twitter, a very reputed lawyer है actually, मैं भारत भूषण का नाम लेता हूँ, उन्होंने बोला था कि ये 100% जो कोविड वैक्सीन आ रही है जिससे 100% लोग ठीक हो जाएंगे। मतलब तो आप एज ए रिसर्चर, अभी जब हम डॉक्टर डिग्री कर रहे हैं तो यू हैव टू बी क्यूरियस ऑन एवरीथिंग। हम जो पेपर में पढ़ते हैं उसको हम एफिकेसी कहते हैं, राइट? सो एफिकेसी ऑफ से फॉर एग्जांपल आपका फाइजर हो गया, मॉडर्ना हो गया, एस्ट्राजेनेका कैम्ब्रिज हो गया, इनका एफिकेसी हमें दिया हुआ है। जो अभी इंडिया में हम लोग लगाने जा रहे हैं वो अराउंड 74, 75, 76% एफिकेसी उसकी है। दूसरा जो भारत बायोटेक उन्होंने जो अप्रूव किया है, जिसका डेटा WHO ने अप्रूव मतलब पब्लिश नहीं किया है, बट हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है उसकी भी एफिकेसी 74% है। इसका मतलब है कि 100 में से 74 लोग उससे ठीक हो पाएंगे, 26-25 लोग जो है उनको उसके इफेक्ट उतने एंटिसिपेटेड नहीं आएंगे, बिकॉज वी आर जेनेटिकली एवरी पर्सन इज डिफरेंट। सो वैसे ही जब हम स्टेटिस्टिक्स के टूल्स लगाते हैं हमारे टेस्ट पे, तो वॉट वी यूज 95% कॉन्फिडेंस लेवल, है ना? आपको कोई ऐसी स्टेटिस्टिक की टेस्ट पता है कि जो 100% कॉन्फिडेंस कहती है? नहीं। सो मैक्स टू मैक्स हम रिसर्च में 95% तक जा सकते हैं, और यही रिसर्च की सच्चाई है। आप 100% नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बाय लक हो सकता है एक आधा एक्सेप्शन होगा और कई एक्सेप्शन है रादर, बट वी हैव टू नो दैट वी विल नेवर रीच द ट्रूथ। तो मैं कई बार साइंस के बच्चों के लिए कहता हूँ कि डोंट सीक, आपका एक्सपेरिमेंट आपको 100% आउटकम दे रहा है, हो सकता है आपके कैलिब्रेशन में कम ज़्यादा हो, आपके कंज्यूमेबल में कई कंपोनेंट की कम ज़्यादा मात्रा हो सके, तो वी हैव टू बी कॉशियस व्हेन वी आर गोइंग अबाउट 95%। इवन आप जब सोना लेते हो, सोने की प्योरिटी भी 99.999 मेजर की जाती है, इवन गोल्ड इज नॉट 100%। सो एज ए रिसर्चर हमको एक चीज़ समझ लेनी है कि दुनिया में कोई भी चीज 100% नहीं हो सकती है। The only 100% certainty philosophically is our death. वो होगी, वो कब कैसे क्यों, वो debatable सवाल, right? The most interesting aspect of the research in 2009, जब कपिल सिब्बल साहब HRD मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इंडिया के सब वाइस चांसलर लोगों को दिल्ली में बुलाया था और उनसे ये दरख्वास्त की गई थी कि जो भी रिसर्च किया जाएगा यूनिवर्सिटी में वो उसके सोशो इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल डोमेन से रिलेटेड हुए तो वो अच्छा होगा। इट वाज नॉट अ मैंडेटरी, बट उनका ये कहना था कि इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री विथ वेरी डाइवर्स सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर, तो हर एक एरिया के यूनिवर्सिटी ने उस एरिया में काम करके वहाँ के प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं एड्रेस करने की गुंजाइश करनी है, विच इज अ वेरी लॉजिकल एंड रीजनेबल आर्ग्यूमेंट विच यू पुट फॉरवर्ड। और इसीलिए हम जो भी रिसर्च करेंगे वो हमारे एरिया में जो भी लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है किसी भी डोमेन में, उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की उसकी एक दरख्वास्त होनी चाहिए। टेक फॉर एग्जाम्पल दी विदर्भा। अब विदर्भा में क्या प्रॉब्लम है बताइए मेरे को, वॉट आर दी प्रॉब्लम्स इन अवर विदर्भा? We'll start with Vidarbha because Nagpur is based in Vidarbha. What are the problems you are facing? Farmer suicide is the biggest problem in Vidarbha. Yes, very good. Anything else? Water irrigation.
एब्सोल्युटली ट्रू, वॉटर इरिगेशन. करेक्ट करेक्ट. अजून अजून काय, अजून काय? सो देर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लेम विच हॅज सम ऑफ द कॅन्डिडेट्स राईटली पॉइंटेड आउट. फार्मर सुसाइड, वॉटर इरिगेशन, इफ यू गो टू सिटी लाईक चंद्रपूर, हेवी पोल्युशन ऑफ एअर, राईट? सो एअर पोल्युशन इज देअर. देन वेन वी गो टू द ऍग्रिकल्चर, द लो यिल्डिंग ऍग्रिकल्चर क्रॉप्स, राईट? वेन वी कम टू सिटी लाईक नागपूर, ट्राफिक कंजेशन, ट्राफिक ॲक्सिडेंट्स, राईट? सो देर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स दॅट अ पर्टिक्युलर जिओग्राफी ऑर जिओग्राफिकल एरिया दॅट सफर. सो हम रिसर्च करते समय, अभी आपका तो सिनॉप्सिस वगैरह सब हो गया, बट आगे चल के जब आप गाइड बनोगे तो काइंडली कीप इन माइंड कि ये करते समय हम अपने एरिया के प्रॉब्लम्स कैसे हाईलाइट कर पाएंगे. जैसे कि हम लोग जो प्रोफेशनल रिसर्च करते हैं, अभी जो गवर्नमेंट का मोटिव चल रहा है कि डबलिंग दी फार्मर्स इनकम, तो मैंने उसमें काफ़ी काम किया है ईस्टर्न विदर्भा में. तो वेन वी वर्क विथ इंस्टीट्यूट लाइक नाबार्ड एंड वर्ल्ड बैंक, तो वी अंडरस्टैंड कि पॉलिटिशियन लोग तो ठीक है बोल देंगे इनकम डबल होगा, बट उसको हम रिसर्च के टर्म में लिंकेजेस के थ्रू बात बात करते हैं. फॉरवर्ड लिंकेजेस एंड बैकवर्ड लिंकेजेस. दुधाचं संकलन होतं पण ते दूध तुमच्या घरी येईपर्यंत त्याचं काय काय होतं, त्याच्यात प्रोसेसिंग कसं होतं, व्हॅल्यू एडिशन कसं होतं. जे मी हमेशा जब MBA के बच्चों को ये चीज़ें बताता हूँ कि 18 से 22 रुपए लीटर में आपका अमूल और बिंशा और हल्दीराम वाले फार्मर से दूध खरीदते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी फैट कंटेंट, राइट? फिर उसका आप खोआ बनाते हो, वो खोआ आपका बिका जाता है 320 रुपए किलो से. अब 5 लीटर दूध से बनता है 1 किलो का खवा, और वो 320 रुपए के खोआ में और वैल्यू एडिशन कर लो तो बन जाएगी मिठाई, जो बिकती है 500 से लेके 600-700 रुपए पर किलो से. सो 18 रुपए का दूध वैल्यू एड करते करते 600-700 रुपए तक जाता है. तो खैर वो एक मैनेजमेंट का एंगल मैंने आपको बताया, बट आप कोई भी एक सारा इशू देखते हो तो वो इशू को इन डेप्थ एनालिसिस की जरूरत होती है कि सद्य परिस्थिति मध्ये काय होतंय, ते जे व्हायला हवं त्याच्याकरता असणाऱ्या त्रुटी किंवा अडचणी काय आहेत. And we have a very complex bureaucratic system, and of course above all is a complex mindset of people. Aap agar Vidarbha ko study karoge to eastern Vidarbha is rather well to do thanks to the rainfall and rivers, but if you go to the western Vidarbha, which is Amravati, Bulandshahr, Akola, Vashim, it's a drought prone area. Or mindset logon ka, in general Vidarbha ke log bahut aalsi hai. अरे कोण काम करेगा, अरे खर्रा खाके सुन जाते, देखा जाएगा, अल्प संतुष्टी लोक आहे. त्याच्यामुळे सरकारच्या किती जरी पॉलिसी आल्या, लोकच तयार नसतील तर मग विकास हा होऊ शकत नाही. एनिवे, सो लॉंग स्टँडिंग प्रॉब्लेम. अभी अगर आपके पास एखादी कॅन्डिडेट आती है और वो कहते हैं कि मुझे डाउरी के ऊपर रिसर्च करना है भंडारा डिस्ट्रिक्ट में, शी कैन डू, शी हैज अ राइट टू डू, बट इट विल नॉट बी रिलेवेंट इन करंट कॉन्टेक्स्ट बिकॉज अभी टू अ लार्जर एक्सटेंट डाउरी इश्यूज आर गेटिंग लेसर एंड लेसर. अभी जो मॉडर्न इशू आ रहे हैं वो है मी टू, सेक्सुअल हरासमेंट, जेंडर इक्वालिटी, ये मॉडर्न इशूज आ रहे हैं. तो रिसर्च जो होता है, जो भी इमर्जिंग प्रॉब्लम, बिकॉज प्रॉब्लम्स आर नॉट स्टॅटिक. म्हणजे तुम्ही जे उदाहरण दिलं ना साहेब, यवतमाळच्या कास्तकारांच्या आत्महत्येवर काम केले, मी अगदी त्या टीमचा छोटासा एक सभासद होतो, कारण मी ॲग्रिकल्चर इकॉनॉमिस्ट नाही, पण मी जे काही 3-4 महिने काम केलं त्यावेळेस ॲग्रिकल्चर कमिशनर होते, मुंबईचे मोठे मोठे अधिकारी होते, तर त्याच्यावर खूप सारा अभ्यास झाला आहे. पण या आत्महत्या कमी झाल्यात का, उत्तर आहे नाही. मग आम्ही हिस्टॉरिकल जेव्हा डेटा बघितला ना, त्या आत्महत्या वाढायचं प्रकरण केव्हा सुरू झालं, ते सुरू झालं 2002 आणि 2003 पासून, म्हणजे आता 17 ते 18 वर्ष झाले. मग त्याच्या आधी काय होतं, मग त्याच्या आधी सिस्टम कशी होती. So, when you look at anything, so farmer, you will be surprised to know there are more suicides in Punjab and Gujarat. But Yavatmal is branded as a capital of farmer suicide for any number of reasons. I mean, त्याच्यावर मी संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत बोलू शकतो, इतकी कारणं आम्हाला कळले. आणि अगदी फ्रँकली ओपिनियन देतो, आमचे जे काही अभ्यास, आमच्या आधी 5 अभ्यास झाले होते राज्यस्तरावर,
आमचाही अभ्यास फक्त सरकारी दस्तऐवज मध्ये पडून आहे. त्याचं इम्प्लिमेंटेशन 5-10% प्रत्येक अहवालात होतं, कारण ते मॅन्डेटरी असतं, पण तरी सुद्धा हे कमी झालेले नाही. आत्ता मागच्या वर्षी जेव्हा आम्ही गेलो होतो 19-20 ला, तेव्हा कलेक्टर साहेबांनी की आता 50% कमी झाले आहेत, म्हणजे दॅट वॉज अ प्रिव्हियस इयर कम्पॅरिझन. सो एनिवे, कमिटिंग सुसाईड इज अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम अँड इट कॅन बी अनालाइज इन अ व्हेरी डिफरंट वे युजिंग डिफरंट डायमेन्शन, बट अगेन वी विल नेवर कम टू द ट्रूथ. म्हणजे सच्चाई अगर मान लो आपने स्टडी करके आपने सच्चाई ढूंढ ली कि यार हाँ ये है, इसके वजह से सुसाइड हो रही है, अब हम इसको बंद कर देंगे. आपने अगर उसको बंद कर दिया और सुसाइड वाकई में बंद होगी तो वो केवल यवतमाल के लिए बंद होगी. द रीजन्स फॉर सुसाइड आर डिफरेंट इन गुजरात दैन यवतमाल एंड डिफरेंट इन पंजाब दैन गुजरात एंड यवतमाल. त्याच्यामुळे तो जो सेटअप आहे तो बघणं अतिशय आवश्यक आहे. राईट, सो वी मूव फॉरवर्ड. अब ये जो सच्चाई ढूंढने की जो क्वेस्ट है, कि एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर अ वेरी क्यूरियस स्पीसीज, ठीक है, हम हमेशा खोज करते हैं और कोई ना कोई चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं. अभी कल रात को जब मैं 9-9:30 बजे नागपुर अमरावती अमरावती से नागपुर मेरा हाईवे पे रुका, तो रात को स्काई वॉज वेरी क्लियर, बादल वादल चले गए थे एंड आई कुड सी नंबर ऑफ स्टार. तो मैं गाड़ी को बस ऊपर देखा तो ऑल स्टार्स वेर वेरी वेरी क्लियरली विजिबल, बिकॉज वो एरिया में शायद पॉल्यूशन नहीं होगा. तो आप ये सोचिए कि आज जब हम 21वीं सदी में यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब चीज़ों की खोज हो चुकी है. उनसे सप्तर्षि, उनसे सूर्यमंडल, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ये कई चीज़ें ढूंढी गई. ये कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ ट्रेडिशन से एंड अथॉरिटी से. इन दी ओल्डन डेज वेन पीपल वेर लिविंग इन अ ग्रुप्स हेडेड बाय अ ग्रुप लीडर, दे वेर बेसिकली इंस्ट्रक्टिंग सम पीपल टू गो एंड सर्च फॉर समथिंग एंड दैट लेड टू दी फाइंडिंग ऑफ नंबर ऑफ थिंग. मुझे ये बताओ, धरती स्पेरिकल है, अर्थ स्पेरिकल, किसने खोजा था ये? वो सेड द अर्थ स्पेरिकल, कौन था वो? एनी गेस? अरे गलत आंसर तो ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ लो तो पाइए. गैलीलियो? नो, नॉट गैलीलियो, यू आर क्लोज, नॉट गैलीलियो, इट वॉज कोपरनिकस. राइट, तो कोपरनिकस वॉज द फर्स्ट पर्सन टू से अर्थ इज स्फेरिकल. कोपरनिकस के साथ क्या हुआ? उसको मार दिया गया, उसको बोला गया तू पागल है, क्योंकि उस समय जो ग्रीक के जो बड़े लोग थे, राजा लोग थे, जो भी उनके हेड हो गए, they were thinking the earth is rectangular. Copernicus said ki earth is a part of solar system and we are revolving around the sun, which the authorities were unable to digest that fact and they poisoned him and he died. He could not substantiate his finding that why earth is spherical, right? So aise kai kisse hue hai, but one of the most fascinating aspect of the research is a personal experience. अनुभवातून आलेली. अब मैं कई बार जब अपने विदर्भ के लोगों को रिसर्च पढ़ाते समय में कई बार लाइट मोड में जोक करता हूँ. इट इज नॉट दैट कि विदर्भ के लोग क्वालिफाइड नहीं है, थोड़े से आलसी है, क्यूरियस होना जरूरी है. मैं बरेचदा गमती नहीं म्हणतो की आपला आयझॅक न्यूटन जर कळमेश्वरचा असता आणि संत्र्याच्या झाडाखाली बसला असता आणि वरून संत्र पडलं असतं, आपल्या विदर्भातल्या न्यूटननी ते संत्र खाल्लं असतं, म्हटलं असतं अरे अरे खट्टा आहे, चलो मी बाहेर चालू आहे. बट वॉट आयझॅक न्यूटन डिड व्हेन द ऍपल फेल डाऊन, ही स्टार्टेड थिंकिंग व्हाय व्हाय इट केम डाऊन, और वो थॉट प्रोसेस उसको लेके गई कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी, जो आज हम g=9.8 की वैल्यू हम उसे इस्तेमाल करते हैं. राइट, सिमिलरली आर्किमिडीज, राईट, आपण आर्किमिडीजचा सिद्धांत शिकतो फिजिक्समध्ये. आर्किमिडीजच्या बाथ टब में गया नहाने के लिए, तो उसने ये देखा कि बाथ टब से जो पानी बाहर आया दैट वॉज मोर देन द वेट ऑफ हिज बॉडी. मान लो आर्किमिडीज अगर 70 किलो का होगा तो बाथ टब से जो पानी बाहर आया था वो मोर देन 70 kg, वॉल्यूम टर्म्स में, वॉल्यूम इक्विवेलेंट में आया होगा. तो इट लेड हिम टू थिंक कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, और वहां से कंसेप्ट आया प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, जिसमें बॉयंसी भी आती है, और उसका इमीडिएट एप्लीकेशन हुआ
कि जो लोग पहले सोचते थे लोहे की शिप समुद्र में डूब जाती है, क्योंकि पहले केवल लकड़ियों की जहाजें चलती थी पानी के, वुडन शिप्स। इमीडिएटली आफ्टर द आर्किमिडीज प्रिंसिपल केम इनटू द पिक्चर, वी स्टार्टेड बिल्डिंग जाइगेंटिक शिप्स मेड आउट ऑफ आयरन। तो इसीलिए जब टाइटैनिक पानी पर तैरती होगी तो टाइटैनिक का जितना भी वेट होगा वो वेट से उतना या उससे ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करती है, और इसीलिए द शिप कैन फ्लोट, द मेटल कैन फ्लोट। तो पर्सनल एक्सपीरियंस लीड टू नंबर ऑफ डिस्कवरीज, अनेक मुझे इवन द लेटेस्ट डिस्कवरी वॉज दी, अगर आपने मार्क जुकरबर्ग का किताब पढ़ा होगा या उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल की होगी, तो ही वॉन्टेड पीपल टू क्रॉस कम्युनिकेट। उसके पहले केवल याहू का मैसेंजर था और एमएसएन का मैसेंजर था, तो केवल हम वन टू वन मैसेंजर से मैसेज भेज सकते थे। सो ही गेव अ थॉट कि कांट वी हैव समथिंग वेयर क्रॉस कम्युनिकेशन, जिसको हम पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन बोलते हैं, और उससे फेसबुक का कंसेप्ट आया और आज हम फेसबुक एक्टिवली यूज कर रहे हैं। सिमिलरली वही बेसिस पे लिमिटेड कैरेक्टर लेके ट्विटर का भी जन्म हुआ। सो ट्विटर बेसिकली बिकेम सक्सेसफुल अलोंग विद दैट, देन वी ऑल नो द इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। तो वो इनके एक्सपीरियंसेस आए, दे ऑब्जर्व व्हाट इज गोइंग ऑन, दे ऑब्जर्व व्हाट कैन बी डन, एंड देन दे केम आउट विथ समथिंग विच वॉज वेरी वेरी यूनिक। सो आज के भी तारीख में एन नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी डिस्कवर्ड। मैं आपको एक मेरा पर्सनल एग्जाम्पल देता हूँ। तो 2-3 साल पहले मैं नांदेड़ यूनिवर्सिटी गया था। मैं रात के बस से बैठ के पहुँचा, तो मॉर्निंग में मैं नहा धो के कैंटीन में पहुँचा ब्रेकफास्ट करने। तो वहाँ पे कुछ 3-4 लोग बैठे थे, मैं अलग टेबल पे बैठा, मैं अपना नाश्ता कर रहा था, तो मैं उनकी बातें सुन रहा था। सो दे वे टॉकिंग अबाउट गाजर गवत, मला आता मला त्याचं इंग्रजीत बोटॅनिकल नाव माहीत नाही, त्याला काँग्रेस गवत म्हणतो आपण विदर्भात। तो दे वे डिस्कसिंग दिस पर्टिक्युलर स्पीसीज ये डिप्लीट हो रही है महाराष्ट्र से। तो मैं थोड़ा क्यूरियस हो गया कि व्हाई दे वर टॉकिंग अबाउट दिस। तो आफ्टर अ व्हाइल आई कुड नॉट रेजिस्ट, तो मैं उनके टेबल पे चला गया और मैंने अपना परिचय दिया। तो दे वर ऑल बोटेनिस्ट, कुछ प्रोफेसर थे बॉटनी के, वो बोल रहे थे कि कोई बैक्टीरिया आया हुआ है या कोई कीटाणु आया हुआ है जो ये स्पीसीज पे अटैक किया उसने, और वो उस स्पीसीज को खत्म कर रहा है। तो उसके बाद मैं जगह जगह जाके देखता हूँ, आपको कांग्रेस घास जो है वो दिखती नहीं है, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो उसको कांग्रेस इसलिए नाम दिया गया था कि कांग्रेस की तरफ फैलती थी, और हम लोग जब स्कूल खत्म होने के बाद हमको काम दिया जाता था, हर एक बच्चे ने 5-6 पौधे रोज तोड़ने का है। तो वेन समबडी मेड एन ऑब्जर्वेशन, देन बेसिकली दी थॉट प्रोसेस कैन स्टार्ट, एंड वेन दी स्टार्ट थॉट प्रोसेस कैन स्टार्ट, इट कैन लीड यू टू दी सम काइंड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, और वहाँ से आपका रिसर्च का प्रोसेस चालू होता है। मैं फिलोसॉफी के लिए भी कई बार एग्जाम्पल देता हूँ, सिद्धार्थ हो जा, उसको भी सवाल आए कि वॉट इज डेथ, वॉट इज पेन, वॉट इज सफरिंग, वॉट इज ओल्ड एज। तो ही सैट अंडर दी बोधी ट्री एंड ही गॉट एनलाइटन। सो अनुभव एक सबसे बड़ा रिसर्च करने का एक तरीका होता है, आप उस अनुभव को किस तरीके से लेते हो और उसको आप साइंटिफिकली कैसे प्रूव कर सकते हो, दैट इज वन ऑफ द चैलेंजेस इन द रिसर्च। देन देर आर डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे, और एग्जाम के एंगल से डिडक्टिव इंडक्टिव ये इम्पॉर्टेंट होता है। और एग्जाम के एंगल से भी जो मैंने आपको बोला था, रिसर्च करते समय वी कैन ओनली कम क्लोजर टू द ट्रुथ बट नॉट नॉट रीच द ट्रुथ एज ए डेस्टिनेशन, हम के डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाते। और फिर हम साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात करेंगे, जिसको साइंटिफिक इंक्वायरी बोलते हैं, राइट। तो ये प्रोसेस, तो अगेन अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड इमेजिनेशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च। आप इमेजिन कीजिए, कई बार मैं आपको मेरा एक एग्जांपल देता हूँ, जब मैं यूरोप में हम लोग एमबीए कर रहे थे, वन फाइन डे वन प्रोफेसर केम लेक्चर, हमारे दिन में 2 लेक्चर होते थे केवल 3-3 घंटे के। तो एक कोई कैम्ब्रिज की एक फैकल्टी थी, इंडियन थी, वो प्रोफेसर जोहरी पी के, और लेक्चर चालू होने के पहले उन्होंने बोला कि हर
कोई कैंडिडेट अपना ड्रीम बताएगा, ख्वाब, इमेजिनेशन। तो हमने सोचा कि यार ये फैकल्टी को आज क्या हो गया, इसका पढ़ाने का क्या है क्या है, बट सो वी कंप्लाइड व्हाट एवर यू से। हर एक व्यक्ति ने अपने अपने ख्वाब बताए। तो आई रिमेम्बर इन माई क्लास देर वॉज वन टाइनी, छोटी सी एक चाइना की लड़की थी, वो खड़ी हुई और उसने बोला कि मेरा ड्रीम ये है कि हवा में जब हवाई जहाज होता है और एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है अनहोनी, तो सब लोग मर जाते हैं। जैसा कल आपने देखा इंडोनेशिया में 46 से 56 लोग मर गए। तो उसका ये कहना है कि हवाई जहाज के 3-4 टुकड़े होने चाहिए और हवाई जहाज पैराशूट के माफिक नीचे आना चाहिए ताकि कुछ लोगों की जान बचे। तो ये बात है 94-95 की। उनको लगा यार ये क्या बात कर रही है। विल बी सरप्राइज टू नो आज वो लड़की एक रिसर्चर बन के कैनेडा में माइग्रेट हुई है और उसके नाम पे एक पेटेंट है। और मैंने ये भी पढ़ा कि अब वो हवाई जहाज बनने वाला है कि अगर मान लो कॉकपिट में आग लग गई तो बाकी के जो प्लेन के 3-4 टुकड़े वो पैराशूट से नीचे आ जाएंगे 30-40 हज़ार फुट से, सबकी जान बचाई जाएगी। या कुछ इंजन में फायर होती है तो पायलट और टेल सेक्शन के लोगों को नीचे आने का मौका मिले। सो एज ए क्यूरियस स्पीसी आप जितना इमेजिन करोगे उतना ही आपका क्या कहते हैं कि रिसर्च करने का मौका। तो तुम्हें बता लहानपणी आपलं नाक सोंगलं जायचं, आपण टिपिकली वाफारा घ्यायचो, अमृत कांजन लावायचो। अभी क्या आहे, वो क्या नेसल ड्रॉप आहे ना, क्या नाम है उसका, मैं भूल गया, वो आप डालिए नाक में, 2 मिनट के अंदर आपका नाक खुल जाता है इंस्टेंट, राइट। सिमिलरली और योर डायबिटीज, इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है विच इज अ पेनफुल, बट इन जर्मनी दे केम आउट विद अ ओरल इंसुलिन, जैसा ओरल पोलियो के डोजेस आए वैसे ओरल इंसुलिन आ गया। सो इट्स अ कन्वीनियंट, सो व्हाट एवर यू इमेजिन इट विल लीड टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स टूवर्ड्स द रिसर्च। में आगे भी इसके बारे में आपको अगले सेशन में भी इसके बारे में बात करूंगा। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन ऑफ यू नो द ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक। व्हेन वी से द रिसर्च हैज टू बी सिस्टमैटिक मींस इट हैज टू बी प्लान प्रॉपरली। मला एक्झॅक्टली काय करायचं आहे, कुठे करायचं आहे, कसं करायचं आहे, केव्हा करायचं आहे, किती वेळात करायचं आहे, किती खर्चात करायचं आहे आणि माझ्या अपेक्षा काय, त्याला नियोजन म्हणजे। देन आयडेंटिफाय व्हॉट एक्झॅक्टली यू आर गोइंग टू डू, राईट। आयडेंटिफाय के ऊपर भी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है टिपिकली मैं मेरे पैरामीटर्स देखता हूँ जिसकी मैं रिलेशनशिप खोजना चाहता हूँ, मैं एग्जैक्टली क्या करना चाहता हूँ और वो मैं कैसे करूँ। वंस यू आइडेंटिफाई इट देन यू डिजाइन इट, मैं किस तरीके से मेरा रिसर्च कंडक्ट करूँगा। डिजाइन के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊँगा कि आप उसको कौन से टूल्स का इस्तेमाल करोगे। आप क्वेश्चनेयर लोगे, प्राइमरी लोगे, सेकेंडरी लोगे, फोकस ग्रुप डिस्कशन लोगे, देर आर एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करोगे, एल्गोरिथम बनाओगे, राइट। सो टूल्स आर देयर। वंस दिस स्टेप इज कंप्लीट वी कलेक्ट द डेटा। वंस डेटा इज कलेक्टेड वी इवैल्यूएट द डेटा यूजिंग द स्टैटिस्टिकल टूल। इसको हम सिस्टमैटिक कहते हैं। सो ऑर्गेनाइज इज अ ब्रॉडर टर्म, राइट। उसमें सब एस्पेक्ट आ गए आपके रिसर्च के, बट सिस्टमैटिक में ये जो 6 वेरिएबल 5 वेरिएबल दिए गए वो उसका सब डोमेन में आते हैं। सो दैट आपको यहाँ एक्यूरेट होना जरूरी है। अगर आप यहाँ एक्यूरेट नहीं है तो फिर आप डिसऑर्गेनाइज हो गए, पर आप वहाँ ऑर्गेनाइज है और यहाँ आप सिस्टमैटिक नहीं है तो फिर भी आपका रिसर्च का क्वांटम या क्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होने की गुंजाइश होती है। सो इट हैज टू बी डन इन अ प्रॉपर ऑर्डर। सेकेंड द लॉजिकल, जो मैंने बोला तर्क, राइट। सो वी एग्जामिन द प्रोसीजर टू इवैल्यूएट द कंक्लूजन। प्रोसीजर में वेदर यू आर कंडक्टिंग लेबोरेटरी, वेदर यू आर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, वेदर यू आर डूइंग समथिंग इन द फील्ड और वेदर यू आर गैदरिंग द डेटा, कलेक्टिंग द डेटा, राइट। सो द बेसिस ऑन विच यू हैव कलेक्टेड एवरीथिंग एंड देन यू यूज अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट and basically interpret and come to your conclusion that this is what the researcher have observed at the end of his study. And third one is empirical. So here the decisions are based on the data, whether you are running a software algorithm
or doing some chemistry experiment, collecting some data, or even you are just observing something, right? Now, observing something could be a very loose term in research. जब हम सोशल साइंस की बात करेंगे, तो मैं किसी को अगर देख रहा हूँ, राइट, तो क्या मेरे डिसीजंस वो देखने के ऊपर बेस्ड हो सकते हैं? आई विल गिव यू अ एग्जांपल जो आगे के इससे भी रिलेटेड होता है. से फॉर एग्जांपल, आई एज ए इंडिविजुअल वांटेड टू नो हाउ मेनी वुमन आर यूजिंग टू व्हीलर have a preference of white as their preferred color. मतलब हिंदी में कितनी महिला सफेद रंग की स्कूटर चलाना पसंद करती है. अब ये मेरे मन में सवाल आया, तो मैं एक दिन के लिए नागपुर के एक मेजर इंटरसेक्शन पे खड़ा रहा सवेरे 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, और मैंने मेरा डेटा ऑब्जर्व किया. और एक दिन के एक्सरसाइज के बाद मुझे पता चला कि वहाँ से लगभग 2,500 स्कूटर गई, जिसमें से वाइट वाली जो थी वो फीमेल चला रही थी, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन लगभग 17% है. सो अब मैं और क्यूरियस हो गया. सो आई गैदर्ड सम पॉइंट एंड आई हायर्ड अ टीम ऑफ रिसर्चर, जिसको हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं, जो डेटा कलेक्ट करेंगे मेरे लिए. और नागपुर सिटी के मेजर इंटरसेक्शन पे हमने ये ऑब्जर्वेशन चालू किया फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month नाउ. So at the end of 1 month, we collected the data. And once we analyzed the data, we found that the overall preference of female driver for white as a color is around 22%. So now we are very happy to know कि 22 तक के महिलाएं नागपुर की ये सफेद रंग की स्कूटर चलाना पसंद करती. Now the question comes here, my decisions are based on my data. Observation. My data is basically my observation. Now, this is a form of empirical research, but can I apply these observations or these findings to a city like, say, Pune? The answer is no. Can I apply to Ahmedabad, Indore, Hyderabad? The answer is no. So, कई बार social science में या even management में हमारे जब management के बच्चे research करते हैं, तो टिपिकल उनका रिसर्च का टॉपिक होता है कि ये जो फ्लिपकार्ट अमेजोन की जो सेल कॉमर्स की लगती है, उसमें फीमेल बायर्स का परचेसिंग बिहेवियर प्रेफरेंस वो होते ही है. हर साल बनते हैं इसके ऊपर थीसिस और हर साल अलग अलग फाइंडिंग उसमें आते हैं. सो इट इज अ वेरी पावरफुल मेथड ऑफ रिसर्च, वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से पावरफुल मेथड, जिससे कि थ्योरी डेवलपमेंट का काम आता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा. द फोर्थ इज अ डिडक्टिव, जहाँ पे हम डेटा से रिलेशनशिप निकालते हैं. जैसा मेरा डेटा, अब मैंने मेरे प्रीवियस एक्सप्लेनेशन में क्या बोला था, मेरा डेटा था टू व्हीलर सफेद रंग की, उसकी रिलेशनशिप किससे थी, फीमेल यूजर्स, राइट. सो अगेन एज ए रिसर्चर, हम जब हमारा डेटा देखते हैं और उससे हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, तो कई गलतियां होने की संभावना होती है. ये जो मिस्टेक्स होती है, ऑनेस्ट काकाजीच्या गाडी मध्ये पाठवलेले आहे, अरे भाऊ भाऊ मी तो आता, अरे काकाजीच्या गाडी बद्दल बोलू तू, ते रिसर्चचं लेक्चर सांग. अरे स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो मध्ये इंजनघाटचे एकचे काकाजी आहे ना, इस्माईल काकाजी म्हणून, त्याच्या गाडी मध्ये पाठवलेले आहे. पार्टिसिपेंट्स काइंडली म्यूट युअरसेल्फ. अरे म्यूट करा ना यार, मीट करा नाही तर काय होतं ना, मी डिस्टर्ब होऊन जाईल, कारण मला तुमचा आवाज येतो, बाकीच्या नाही येणार. सो हम रिलेशनशिप एस्टॅब्लिश करते. अब उसमें क्या होता है, कई बार कैंडिडेट से एक ऑनेस्ट मिस्टेक होती. आई विल शेयर द एग्जांपल. ऑनेस्ट मिस्टेक कैसी होती, देयर वाज अ कैंडिडेट, शी वाज डूइंग हर रिसर्च ऑन द इकोनॉमिक्स. सो शी सेड दैट द राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, राइट, अभी से फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका सबका पेमेंट डबल कर दिया. मैं बहुत अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर हूँ और मैंने बोल दिया फ्रॉम 11th ऑफ जनवरी ऑल दी फैकल्टी विल गेट 10th पे कमीशन. अगर आपका मैंने पेमेंट डबल कर दिया तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, क्या होगा,
if I double your income, what should happen? We increase our demand. Sir, हमारे डिमांड बढ़ जाएंगे. ओके, डिमांड बढ़ेगी और क्या होगा? स्पेंडिंग पावर. वेरी गुड, स्पेंडिंग बढ़ेगा. सो स्कोप बढ़ेगा उस जॉब के लिए. स्कोप बढ़ेगा, राइट? सो जब इकोनॉमिक थ्योरी में किसी का इनकम डबल किया जाता है तो जैसे कि आपने बोला, सबसे पहले आपका स्पेंडिंग बढ़ेगा, जिसको हम पाए शब्द है तो नॉन इसेंशियल स्पेंडिंग जो होता है उसको, उसके लिए एक वर्ड है एफ्लुएंटिक स्पेंडिंग, मतलब अननेसेसरी चीजें खरीदने का आपका स्पेंडिंग बढ़ेगा. आप बोलोगे कल तक मेरा पगार इतना था, आज डबल हो गया, अब मैं एफ्लुएंस मोड में जाऊंगा. सो अनवांटेड चीजें मैं जो जरूरी नहीं है, नॉन इसेंशियल जो है वो मैं कंज्यूम करना चालू करूंगा. ये भी होगा कि आपका सेविंग बढ़ेगा, जैसे किसी ने बोला वो जॉब की डिमांड बढ़ेगी. सो देयर विल बी एन नंबर ऑफ इफेक्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ दैट. वन ऑफ द थिंग व्हिच विल हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ योर नॉन इसेंशियल स्पेंडिंग इज द कंजम्पशन ऑफ स्वीट. मैं अभी 50 साल का हो गया हूँ. हम लोग जब छोटे थे तो हार्डली महीने में एक आध बार हम मिठाई खाते थे या मीठा खाते थे, ज्यादा मराठी मध्ये शिरा आणि हिंदी मध्ये हलवा. कोई कोणी एखादा न सांगता पाहुणा आला तर तो मिळायचा, अदरवाइज नाही मिळायचा. पर अगर आज मैं आपके घर में आऊँ और आपकी फ्रिज खोलूँ तो मेरे को मोर देन 40% लोगों के फ्रिज में मिठाई मिलेगी, राइट? सो इज मिठाई एन इसेंशियल कमोडिटी? एब्सोल्युटली नॉट. इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एफ्लुएंस. तो आदमी के पास जब पैसा आता है तो आदमी एफ्लुएंस मोड में जाता है, जिससे इंक्रीज शुगर कंजम्पशन होता है, राइट? सो आज इसलिए देखो जिस तरीके से मिठाई खा रहे, तो हल्दीराम ने 6-7 दुकानें खोल के रखी है बड़ी बड़ी नागपुर में, बिकॉज कंजम्पशन हैज इंक्रीज, एंड कंजम्पशन हैज इंक्रीज बिकॉज ऑफ राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, पीरियड. इसके इसको आर्गुमेंट है ही नहीं है और लॉजिक को. तो वो स्टूडेंट ने क्या लिखा था, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम लीड्स टू इंक्रीजिंग वेट, राइट? विच इज ट्रू. अगर आप इसेंशियल से ज्यादा अगर शुगर कंज्यूम करोगे तो आपका वजन बढ़ेगा, राइट? एंड राइज इन वेट लीड्स टू दी कार्डियोटिक और डायबिटिक प्रॉब्लम. सो ए लीड्स टू बी एंड बी लीड्स टू सी. तो वो स्टूडेंट ने, वो कैंडिडेट ने, वो वाइवा के दिन पता चला, गलती से उसने बोला था राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन दी डायबिटिक और कार्डियक प्रॉब्लम्स. तो ऑफकोर्स वो एग्जामिनर आए थे, कोल्हापुर से आए थे, तो उन्होंने बोला बेटा दिस इज नॉट करेक्ट. इफ ए लीड्स टू बी एंड बी लीड्स टू सी, दैट डज नॉट नेसेसरी मीन ए कैन लीड टू सी. तो वो ऑनेस्ट मिस्टेक थी विच शी एक्नोलेज एंड शी प्रॉमिस टू करेक्ट इट. वो हुआ कुछ नहीं, उसको उसका डॉक्टरल डिग्री मिल गया. बट कई बार हम जब रिलेशनशिप निकालते हैं डेटा से, तो कैंडिडेट हैज टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस. होतं काय, त्याला वाटतं की आता माझा डेटा कलेक्ट झाला, मी ॲनालाइज केला, आता मी फटफट काहीतरी त्याचं कन्क्लुजन आणि इंटरप्रिटेशन करतो, कन्क्लुजन करतो आणि थीसिस संपवतो. ये घाई होती है, बट आपको एम्पल टाइम दिया गया है 5 इयर्स का. तो स्पेशली आप जब इंटरप्रिटेशन मोड में जाओगे तो आप ये जो रिलेशनशिप्स होती है वो आपको बहुत कॉशियसली और बहुत केयरफुली देखना जरूरी है, क्योंकि कई बार एक अनजानी मिस्टेक होती है. मिस्टेक सबसे होती है, ऐसा नहीं है कि आप मिस्टेक फ्री काम कर पाओगे. मिस्टेक इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स यू नो अवॉइडिंग इट. सो एज लॉन्ग एज यू रिकॉग्नाइज दैट मिस्टेक वॉज डन, देन आगे चल के आपका वो शायद अवॉइड हो सकेगा. एंड देन रिपीटेबल, जहाँ पे आप एक्शंस रिकॉर्ड करते हो, चाहे वो एक लेबोरेटरी सेटिंग हो या एक कंट्रोल सेटिंग में आप एखादे एनिमल बिहेवियर को देख रहे हो, या मैक्रो बिहेवियर में आप एक एनवायरमेंट को देख रहे हो, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, जहाँ पे एक्शंस रिकॉर्ड हो रही है, जो पोलर आइस कैप्स है हमारी वो मेल्ट हो रही है. सो दीज आर द 5 नेचर्स ऑफ द रिसर्च दैट वी आर इंटरेस्टेड इन. नाउ आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. ये जब हमने प्रीपीएचडी चालू किया था एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में, उस समय ये पेपर में न्यूज आई थी, 2018 की बात है, 31st March शायद मेरा 1-2 दिन बाद सेशन था. तो आई शेयर दिस न्यूज विद देम. नाउ सी, इन यूके एक जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई, और जो जर्नल का नाम था नेचर कम्युनिकेशन,
what they found out that needing to wear glass is associated with higher level of intelligence. म्हणजे मराठीमध्ये जे लोक चष्मा घालतात ते हुशार असतात. आता हा समज जगात सगळीकडे आहे का, फक्त भारतात नाहीये, इट इज देअर एव्हरीवेअर, राईट. सो दे व्हॉट दे डीड बेसिकली व्हाईल कंडक्टिंग दी स्टडी, दे ऑल्सो कलेक्टेड दी कॉग्निटिव्ह अँड जेनेटिक डेटा. म्हणजे तुमचं कॉग्निटिव्ह, जे ब्रेनमध्ये तुमची कॉग्निटिव्ह फंक्शन असतं आणि तुमचं ओव्हरऑल जेनेटिक डेटा, व्हॉट दे डीड दे ऑल्सो कंडक्टेड दॅट अँड दे कलेक्टेड अ सॅम्पल ऑफ 300,000 पीपल. द एज वॉज बिटवीन 16 to 102 अँड the genetic data was generated by the UK Biobank, right? So what the analysis found that there is a significant genetic overlap between their general cognitive function, reaction time, and many health variables including eyesight, hypertension, longevity, etc. Right? And specifically, people who were more intelligent were almost 30% likely to have genes which might indicate they need to wear the glasses. तो वो डेटा अनालाइज कर बघा. हा अत्यंत सोपा अभ्यास होता, पण त्याच्यात त्यांना काय काय मिळालं हे तुम्हाला पुढच्या साईडवर दिसेल. सो दे रिअलाइज दॅट चष्मा लगाना ये इंटेलिजन्स का भी एक फंक्शन है, एट द सेम टाइम 30% जो है वो जेनेटिक है. तो वो जीन आपका करेगा. जैसे हमारे परिवार में मैं इकलौता इंसान हूँ जो 11वें साल से एट द एज ऑफ 11 चश्मा लाता हूँ, और मैं इकलौता इंसान हूँ जिसके बाल इंजीनियरिंग में सफ़ेद हो गए थे, बाकी किसके नहीं हुए. तो वो जेनेटिक नहीं हो सकता मेरे केस में, बट दे फाउंड दैट 1/3 जो है या क्लोज टू 1/3 जीन्स में डिटर्मिन आपको चश्मा लगाना पड़ा, और उनको सिग्निफिकेंट ओवरलैप भी दिखे ये सब कॉग्निटिव फंक्शन रिएक्शन टाइम, राइट. नाउ सवाल ये आता है, while being more intelligent may be linked to poor eyesight. लोक चष्मा का लावतात पण त्यांची आयसाईट खराब आहे. माझी आयसाईट खराब होती, मी उंच होतो, मी झेडपीच्या शाळेत शिकलो, तिथे वर्गात अंधार असायचा आणि त्या खडू आणि त्या फळ्यावर काय लिहायचं ते मला दिसायचं नाही. मग त्या चक्करमध्ये मला त्यावेळेस टी व्ही नव्हते, सो मेरा वो खराब हो गया. सो चष्मा लगाना इज उसका इंटरप्रिटेशन है कि आप इंटेलिजेंट हो, और दूसरा इंटरप्रिटेशन है कि आपका आईसाइट खराब है, राइट. नाउ एट द सेम टाइम दोज हु हैव पुअर आईसाइट आल्सो हैव लॉट्स ऑफ पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट. दैट डजंट मीन कि आपका केवल आईसाइट खराब है तो आपके बाकी के फंक्शन भी खराब हो सकते. तो व्हाट रिसर्चर्स फाउंड दैट देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द कॉग्निटिव फंक्शन एंड नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग एग्जिमा, लंग कैंसर एंड डिप्रेशन. मतलब आपका जो कॉग्निटिव फंक्शन होता है ब्रेन का, उसका और आपकी हेल्थ प्रॉब्लम का एज हाई एज लंग कैंसर एंड डिप्रेशन, उसका निगेटिव कॉरिलेशन. सो एज ए रिसर्चर वी हैव टू अंडरस्टैंड 100% यानी कि 100% वापस तो है कि कोरिलेशंस आर ओनली फॉर द इंटरप्रिटेशन, दे आर नॉट कन्फ्युजिंग लिंक. पडलं का हे लक्षात ठेवा. यू कॅन से विथ 100% कॉन्फिडन्स दॅट इफ दिस को रिलेशन एक्झिस्ट दिस इज वॉट इट इज. नो, ऑल्दो ॲज अ रिसर्चर वी यूज 95% कॉन्फिडन्स लेवल टू टेस्ट, जिसको हम सिग्निफिकन्स टेस्ट देते हैं, पी टेस्ट लेते हैं, पी टेस्ट लेते हैं, एनोवा टेस्ट लेते हैं, 1-10 to 10, हम वो पैरामीट्रिक कोरिलेशन निकालते हैं. बट माइंड वेल इट इज नॉट कन्फ्युजिंग. आणि मी माझं वैयक्तिक अनुभव आपण तुम्हाला सांगतो. दिस लेसन आय लर्न इन कलिना, मुंबई युनिव्हर्सिटी. वहां पे एक एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन है ना, उनका क्लास गलती से अटेंड करने गया. मैं मुंबई में कुछ और काम से गया था, तो वो बोले कि आके बैठा क्लास में. उन्होंने जिस तरीके से पढ़ाया, मैं खुद पढ़ा 2017 में, मुझे ये पता चला कि कोरिलेशन एक कंक्लूजिव नहीं होता है. तो आप भी ये ध्यान में रखिएगा, इट इज नॉट कंक्लूजिव. आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको उसका एक्सप्लेनेशन एग्जांपल से देता हूँ. हमारे हिंदू प्रथाओं में
शादी से पहले आपकी पत्रिकाएं देखी जाती हैं, राइट। मैंने तो शादी नहीं की और मैं देखता हूँ कई लोगों की शादी पत्रिका देख के की जाती है, और जब पत्रिके में जब थोड़ा मराठी में आता हूँ त्याच्यामध्ये तुमचे गुण मिळवले जातात, काहीतरी 35-36 गुण असतात आणि ते दुसऱ्याशी मिळवले जातात, मग ते 27 आहेत, 32 आहेत, काहीतरी आहेत, आणि मग ते गुण मिळले की आपली शादी तय हो जाती, मतलब आप एक कंपेटिबल पार्टनर ले रहे हो। उसको अगर मैं थोड़ा और एडवांस में लेके जाऊँ तो वो मांगलिक का सिस्टम है अपने देश में कि लड़की को अगर मंगल होगा तो फिर उसको मंगल वाला ही लड़का चाहिए, बिना मंगल वाले से करोगे तो झगड़े होंगे, ये सब पुराना तामझाम है। बट एज ए रिसर्चर जब मैं इसको देखता हूँ तो मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जिनके वो क्या 35 में से 35 पॉइंट मैच हुए बट दे आर स्टिल अनहैप्पी इन देयर मैरिज एज ऑफ नाउ। तो एज ए रिसर्चर क्या पत्रिका देख के शादी करना ये केवल एक कोरिलेशन है बट इट इज नॉट कंक्लूसिव कि शादी के बाद आप जो है वो हैप्पीली फॉरएवर रह पाओगे, राइट। सो इसको हम साइंटिफिक एंगल कहते हैं। तो मैं अगर कोई चीज देखता हूँ और वो चीज को मैं केवल कोरिलेशन से कोरिलेट करता हूँ, मान लो मैंने 100 आदमी लाए और 100 बिल्लियां लाई और 100 आदमी के सामने 100 बिल्लियों को जाने दिया और उसमें से 80 लोगों के काम नहीं हुए, तो फिर हमारे समाज में प्रथा पड़ गई है कि काम पे जाने से पहले बिल्ली आ गई, आड़ी आ गई तो काम नहीं होता। अब ये कोरिलेशन है, एज ए रिसर्चर कैन आई प्रूव इट साइंटिफिकली, दैट बिकम्स अ बिग चैलेंज। त्याच्यामुळे जेवढे तुम्ही संशोधक आहात कृपया एक लक्षात ठेवा, कोरिलेशन हे काहीही सांगत नाही। हमारे एकेडमिक रिसर्च में आपके पीएचडी थीसिस में आप कोरिलेशन से आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट कीजिए, आपको खुशी से आपकी पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी। और जब आप हायर लेवल पे रिसर्च करोगे कोरिलेशन के ऊपर 100 सवाल खड़े होते हैं कि भैया ये कंक्लूसिव है कि नहीं। जैसे मैंने आपको बोला वुहान में ओ पॉजिटिव वालों को कोरोना ज्यादा हुआ, ये कोरिलेशन है, क्या ये साइंटिफिकली हम प्रूव कर सकते हैं क्या, राइट। अब वो जो यूके का स्टडी मैंने बोला मॉस्किटो का कि ओ वालों को मॉस्किटो ज्यादा काटता है, तो उसने बोला कि ओ वाले के ब्लड मॉस्किटो कौन काटता है आपको, वो आपका ब्लड का प्रोटीन लेने, हमारे ब्लड में प्रोटीन होता है, तो उन्होंने बोला कि ओ वालों के ब्लड में एक ऐसा प्रोटीन होता है जो मच्छरों को ज्यादा पसंद आता है और मच्छर उसका स्मेल बाहर से लेते हैं, इसलिए ओ वालों को मॉस्किटो ज्यादा काटते हैं। तो अभी उन्होंने कोरिलेशन को साइंटिफिकली अप्रूव कर दिया कि यस बिकॉज ऑफ सर्टन प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन पर्टिकुलर category of people having the group, they are more tend to a mosquito bite as compared to the other. So possible is scientifically to prove it. म्हणून लक्षात ठेवा, the conclusions academic research में आप draw कर सकते हो, but higher level के research में वो conclusions आपको trouble में लाएंगे unless and until you justify it with in-depth analysis. ये लक्षात ठेवा, correlations are merely incident, they are not confusing link, right? So वो स्टडी में आगे उन्होंने बोला था सर, माझा एक डाउट आहे, विचार विचार सर, म्हणजे मग रिसर्च ही कंक्लुसिव असायला हवी का, म्हणजे कोरिलेशन जो सेटअप होत आहे तो कंक्लुसिव असावी का? तसं असतं माहिती का, अकॅडमिक रिसर्च मध्ये तुम्ही जर कंक्लूड केलं नाही तर मग रिसर्च कंप्लीट नाही होणार, राईट। आता म्हणजे आपली जी पद्धत आहे ना रिसर्च करायची, जगातली आहे, भारतातली नाही, जगातली पद्धत अशीच आहे, पीएचडी लेवलचं रिसर्च हे अत्यंत सोपं रिसर्च म्हणलं जातं, म्हणजे तुम्ही लिटरली त्यातल्या त्यात नॉन सायन्सचे जे लोक असतात लिटरली तू हवेने तीर मार सकतो, म्हणजे हवेने तीर मारणे फार त्याची अतिरेक होईल त्याचा, पण तुम्ही एकदा प्रूव करून दिलं तुमचे पॅरामेट्रिक कोरिलेशन आणि हायपोथेसिसला ऍक्सेप्ट रिजेक्ट केलं की तुमचा रिसर्च संपतो, राईट। आता टेक एन एक्झाम्पल, मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो, जुन्या काळी ताप आला की लोक क्रोसिन खायचे, मी जुन्या काळ याच्या करता म्हणतो, आता नवीन क्रोसिन आली आहे, कोणती आहे नवीन क्रोसिन, 8 घंटेवाली मार्केट मिळते ना, वो क्रोसिन खायची 8 घंटे में आप ठीक होते, ज्याला आपण फार्मसीच्या लँग्वेज मध्ये म्हणतो त्याची पोटेन्सी वाढवली असेल, होते म्हणजे आपण औषध देताना तुम्हाला दिसेल 50 मिलीग्रॅम, 100 मिलीग्रॅम, 650 मिलीग्रॅम, 1100 मिलीग्रॅम, दॅट इज द पोटेन्सी ऑफ अ ड्रग। सो वेन सम कंपनी इज ब्रिंगिंग अ प्रोडक्ट इन अ मार्केट सेइंग दॅट विदिन 8 आवर्स आपका बुखार चला जाएगा, मतलब वो उसमें
जो भी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है वो कुछ अलग बनाया गया है, तो उसके रेडी इंस्टेंट इफेक्ट मन को आता होता का है. व्हेन दे टेस्ट इट ऑन सर्टेन पीपल दे गेट अ कोरिलेशन दैट आउट ऑफ 100 80 पीपल गेट द सेम इंपैक्ट. तो व्हेन 80 म्हणजे एफिकसी इज 80%, 100% जगामध्ये काही नाही, तुम्ही लक्षात ठेवा. सो विथ दॅट 80% एफिकसी, सो हाऊ दे डिटर्मिन 80%, हाऊ दे डिटर्मिन एफिकसी ऑफ 80% इज बेसिकली को रिलेशन. मतलब वो दवा का इफेक्ट वो 100 में से 80 लोगों के ऊपर सकारात्मक हुआ है, सो विच इज नथिंग बट ए को रिलेशन. सो दे कंक्लूडेड विथ एफिकसी ऑफ 80%. नाउ साइंस में वो जब 80% बोलते हैं तो 20% उसके साइड इफेक्ट देने चाहिए. जो अभी वैक्सीन लगाने की बात हो रही है, साइड इफेक्ट लोगों को मालूम नहीं. कल भोपाल में कोई तो मर गया, अब उसके ऊपर बवाल मच रहा है कि वो क्या हुआ, बिकॉज वी आर इन टू अननोन टेरिटरी एज फार एज कोविड इज कंसर्न. सो लेट्स कम बैक टू दी क्रोसिन. क्रोसिन के साइड इफेक्ट तो है नहीं कुछ, ज्यादा से ज्यादा लीवर पे कुछ इम्पैक्ट आएगा, या अगर किसी पेशेंट को प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन होगी तो उसके ऊपर कोई निगेटिव इम्पैक्ट और कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आ पाएगा. तो जनरली जग हे कोरिलेशन नहीं चालतं साहेब जनरली, पण तुम्हाला एक स्टेप फर्दर जाके आपको उसको व्हाट यू कॉल एफिकसी में डालना है. अगर आप मेडिकल साइंस में कर रहे हो या फिर आप नॉन साइंस में, इसके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं. बिकॉज कोरिलेशन अगर होता है, जैसे टेक फॉर एग्जांपल अमित शाह एंड मोदी का कोरिलेशन है, मतलब जो उनकी जो सोच है वो इनकी सोच है, वो दोस्त है, ब्ला 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 ब्ला, जनरल इंटरप्रिटेशन. बट कैन आई प्रूव इट साइंटिफिकली, सो देन आई विल हैव टू गो डीपर इनटू डीपर एनालिसिस टू प्रूव. बट इवन आफ्टर डीपर एनालिसिस आई कांट बी 100% श्योर दैट दिस लिंक विल यू नो एग्जिस्ट, राइट. सो कोरिलेशन हर रिसर्चर ध्यान में रखिए, ये डेंजरस इंटरप्रिटेशन है, डेंजरस आपके थियरी के लिए. वो आप उसको डरो मत, आप वो जो काम करना आप करो. आप जब हायर लेवल के रिसर्च प्रोजेक्ट में होंगे तो आपको बहुत जस्टिफाई करना पड़ता है, क्योंकि हम कोरिलेशन कहाँ से निकालते हैं, पैरामीटर और स्टैटिस्टिकल टेस्ट निकाल के, वो जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आता है प्लस वन माइनस वन, दैट विल पुट इट, और उसके ऊपर हम इंटरप्रिट करते हैं जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन ब्ला 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 ब्ला. नहीं, हे अकॅडमिक रिसर्च करून 100% चालतं, याला कोणी ऑब्जेक्शन देणार नाही तुमच्या थीसिसमध्ये. पण जो पुढे मला हे काही करायचं असेल तर मला त्या कोरिलेशनला अत्यंत काळजीपूर्वक जस्टिफाय करावं लागतं की असा डेटा मला का दिसतो, राईट. ते मी पुढे तुम्हाला सांगेल की जर आपली मेथड चुकली किंवा पॅरामीटर चुकले तर चुकीचे रिझल्ट येऊ शकतात. सो कमिंग बॅक टू दिस स्टडी, देर आर प्लेंटी ऑफ एम्पिरिकल एव्हिडन्स दॅट wearing glasses whether you need or you don't need make you think ki aap intelligent ho. And hello sir. No. Yes, boli. Ha sir, tumhi aata crossing cha ek example dilo sir, tar ekada azar asla tar aata tyanni tyachya madhe aapala as mhanta yin na ki correlation ani conclusion ya doni cha use tya crossing cha madhe zalela ahe. Ho, ata tumhala ajun ek gamti cha ek sangto. Aapala jeva सर्दी खोकला डोकंदुखी किंवा ताप येतो तेव्हा आपण डॉक्टरकडे जातो, डॉक्टर आपल्याला औषध देतो, आणि जाता जाता काय म्हणतो डॉक्टर, डॉक्टर म्हणतो औषध लागू झालं नाही तर 3 दिवसांनी या, परत बदलून देतो, राईट. सो मीन म्हणजे माझा सांगायचा मुद्दा असा आहे, आपण प्रत्येक जेनेटिकली वेगळे आहोत, त्याच्यामुळे फार्मसी आणि मेडिकल कंपन्यांनाही कळतं की एक औषध जर प्रीती धार्मिक मॅडमवर चाललं तर ते औषध निखिल काय सर्वांवर चालू शकत नाही किंवा चालणार नाही कदाचित, ओके. बट मी जर रूल बघितला, काय म्हणतात बेलकर इन्व्हर्टेड बेलकर जर बघितली तर जवळपास 60-70% लोकांना एक औषध चालतं. म्हणजे हे जे मी म्हणतो ना एफिकसी, की 8 तासाच्या क्रॉसिंगची एफिकसी ही जवळपास 70-80% असेल, असं कोणतंही औषध नाही जे 100% एफिकसी वर चालते. शिवाय की वो आपके वो नेसल ड्रॉप आते हैं, मला काय ब्रँड माहित नाही, ते टाकलं की तुमचं नाक मोकळं होतं, पण ते काही काळाकरताच होतो. इट डज नॉट ॲड्रेस युअर ग्रास रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लेम, इट गिव्ज यू अ इन्स्टंट रिमेडी, राईट. सो वाई कन्क्लुडिंग सच इंटरप्रिटेशन्स, राईट, दीज आर ऑफकोर्स रिलेटेड बाय कोरिलेशन ओनली, कारण त्याच्याशिवाय तुम्ही कन्क्लूड करणार नाही. पण
पीएचडी मध्ये हे ऍक्सेप्टेबल आहे. पण तुम्ही जर उद्या एखादा नवीन औषध काहीतरी आणलं आणि तुम्ही म्हटलं की ये दवाई खाण्याची आपली उमर 6 साल 10 साल बढती है, तो देन प्रॉबली यू विल हैव टू कम आउट विद, ऑफकोर्स आप पहले 10 साल वो दवा का हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट करोगे, 10 साल बाद आप बताओगे कि मैंने 1 लाख लोगों को दी, इसमें से 75,000 लोगों की उम्र वाकई में 10 साल बढ़ गई. तो होता क्या है, मैं आगे भी आपको बताऊंगा, मल्टीपल पैरामीटर असतात साहेब. जे मी एकाच कंडिशन मध्ये लोकांना एकच औषध दिलं त्याला आपण कंट्रोल डेटा सेट म्हणतो, तर तेव्हा हे लागू होतं. पण जो प्रत्येक जण वेगळा आहे, त्यांच्या प्री मेडिकल कंडिशन वेगळ्या आहेत, त्यांचं लाईफस्टाईल वेगळं आहे, त्यांचा आहार वेगळा आहे, त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धती वेगळ्या आहेत, तर एका औषधाची एफिकसी ही 80% वर जाऊ शकत नाही. म्हणून तुम्हाला 1000 प्रकारचे औषधं तुम्हाला मिळतात. म्हणजे तुकडा झाला की तुम्ही काढा घेतात, सिरप घेतात, ते पातंजलीचं काही घेतात, नाही तो बेनाड्रिल घेतात, नाही तो कोरेक्स घेतात, काय आहे. कारण एक गोष्ट प्रत्येकाला लागू होऊ शकत नाही. तुम्ही कसे जपताय, तुमचा मेडिकल हिस्ट्री काय, त्या बेसिसवर तुम्हाला ते औषध तसं लागू होतं. आणि बरेचदा मी तुम्हाला माझं वैयक्तिक केस सांगतो, आम्ही फॉरेनला होतो तर आम्हाला ना अँटीबायोटिकच्या इंजेक्शन दिले जायचे की सर्दी खोकला ताप नये. मी वर्षात तो दोनदा ते घ्यायचो कारण माझं ट्रॅव्हलिंग खूप व्हायचं. काही वर्षांतर मला जेव्हा स्वाईन फ्लू झाला 2003 मला स्वाईन फ्लू झाला होता, तेव्हा ते म्हणे सर तुमच्या बॉडीमध्ये अँटीबायोटिकला रेझिस्टन्स तयार झाला. मी आता गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात माझे रामदास पेठला डॉक्टर आहेत, मला 1100 मिलीग्रामची टॅबलेट लागते साहेब, मला 200-300 मिलीग्रामची अँटीबायोटिक कामच करत नाही. तर मला ते डॉक्टर म्हणे की आता तुम्ही सोडून दे, तुम्ही आता आयुर्वेदिक मोडमध्ये जा. सो होत आहे, वो रेझिस्टन्स तयार होत आहे आफ्टर. सो क्या होता है, हर किसी व्यक्ति के ऊपर अगर वो आप अप्लाई करके देखोगे तो आपको यूनिफॉर्म या यूनिवर्सल रिजल्ट नहीं मिलेंगे. मतलब लॉ ऑफ एवरेजेस प्रमाण 60-70% एश्योर रिजल्ट मिलती, अबव दैट इट बिकम सो कॉल्ड मिराकल. आणि असं मिराकल ड्रग अजूनही जगामध्ये कोणतंही अवेलेबल नाही. इवन मैं आपको लिंक देता हूँ, कोरोना की कोई भी वैक्सीन आप लगा, आपको 100% कोई भी सेफ्टी रेट नहीं देगा कि आपको नहीं होगा वो, बिकॉज देर आर अदर पैरामीटर्स विच आर अफेक्टिंग, राइट. सो वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट दिस पॉपुलेशन व्हेन वी सी इट एज अ रिसर्चर. सो नंबर ऑफ स्टडी हैव फाउंड दैट पीपल हु वेयर ग्लासेस आर परसीव्ड एज स्मार्टर, मोर डिपेंडेबल, इंडस्ट्रियस एंड ऑल. हा जगातला परसेप्शन आहे की चष्मा लावलेला हेल्पफुल आहे, त्याच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवू शकता, तो खोटं बोलला नाही, ब्ला ब्ला ब्ला. पण त्याच्या मागचा अर्थ तुम्ही रामायण बघितलं. हे कम्प्युटर रिसर्च बद्दलच आहे, आपण त्याच्यात जाऊ नये. हा, सो रिसर्च हॅज टू बी स्पेसिफिक. स्पेसिफिकचा अर्थ आहे की द मोर पिन पॉइंटिंग युअर टायटल ऑफ द रिसर्च इज द बेटर इट इज. बरेचदा कॅन्डिडेटच्या चुका होतात, त्याला मी कॅन्डिडेटला ब्लेम नाही करणार. आय विल ब्लेम द गाईड अँड RRC कमिटी फॉर अप्रुव्हिंग द टायटल. मेनी अ टाइम द टायटल इज व्हेरी ब्रॉड अँड डिफ्यूज. ओके, ये एकेडमिक्स में मंजूर है, मैं ये नहीं कहता वो गलत है. प्रोफेशनल रिसर्च करते समय आपको वेरी स्पेसिफिक टाइटल आपका होना चाहिए. सेकंड, मेजरेबल. रिसर्च करते समय आपको क्वांटिफाई करना इज अ मैंडेटरी थिंग, वेदर इट इज अ साइंटिफिक रिसर्च, साइंस रिसर्च और नॉन साइंस रिसर्च. अनलेस एंड अंटिल यू क्वांटिफाई इट, द रिसर्च हैज नो मीनिंग, एंड दैट बिकम्स अ चैलेंज इन मैनेजमेंट, सोशल साइंस, लिटरेचर, आर्ट, कॉमर्स वगैरह सो फोर्थ. सो मेजरेबल एंगल आप सभी को डालना है. वो मेजर कैसा करना, उसके सिंपल टेक्निक से जो मैं आपको बताऊंगा. से फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू नो एज ए रिसर्चर, नागपुर में जितने भी 2 स्टार के ऊपर के होटल है वहाँ के रिसेप्शनिस्ट का स्माइल कैसा है. सो मैंने नागपुर के 20 होटल निकाले और मैंने जाके जितनी भी रिसेप्शनिस्ट थी, वी टेक 2 or 3 रिसेप्शनिस्ट फॉर होटल इंक्लूड मेल एंड फीमेल, मैंने 60 रिसेप्शनिस्ट का डेटा गैदर किया. नाउ एज ए रिसर्चर मुझे बताना है किसका स्माइल ज़्यादा अच्छा था. नाउ ये जब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हम चले जाते हैं तो उसमें आता है बायस्ड. अगर उसमें कि कोई रिसेप्शनिस्ट अच्छी ड्रेस में हो या मेरे को अच्छे लगने वाले टाइप में हो, गोरी हो, लंबे बाल हो, तो मैंने बोल दिया हाँ उसका अच्छा है, तो आई एम बायस्ड. My research finding will be wrong. But now I am very rational. I really wanted to know
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड स्माइल, इज इट 32 दांत दिखने चाहिए, आपका एंगल इतना होना चाहिए, आपके लिप्स इतने खुलने चाहिए, ये पैरामीटर स्टडी करके मैं एक स्माइल इंडेक्स बनाऊंगा और वो इंडेक्स में बनाने के बाद मैं फिर से एक बार मेजरमेंट लेने जाऊंगा और फिर मैं उसको बेस वैल्यू दूंगा और बेस वैल्यू के हिसाब से मैं उसका रैंकिंग करूंगा वेरी सिंपलिस्टिकली। अगर अभी आप जितने पार्टिसिपेंट हो, मैंने आप सबका वेट ले लिया और मैंने आप सबकी हाइट ले ली, राइट। अब इसके ऊपर से मैंने एक इंडेक्स बनाया, वेट का एक इंडेक्स बनाया और हाइट का एक इंडेक्स बनाया। कैसा बनाया? सबसे पहले मैंने आपके हाइट और वेट में जो सबसे ऊंचा है और सबसे कम ऊंचा है और सबसे मोटा है और सबसे पतला है, ये दो मैंने अपने टेल में जो आते हैं इन्वर्टेड बेल कर में, ये मेरे एक्सट्रीम्स है। तुम्हें जितने पार्टिसिपेंट है 60% तुम्हें का एवरेज बोले, हाँ लॉस नेचर है बट तुम्हें कोई ही गोष्ट क्या 60-70% आप एवरेज में आएगी। उसका और एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप आँख पे काली पट्टी बांध के बाजार में जाओ और टोमेटो का जो वो लगा के रखता है, आप लेते समय तो बड़े पिक एंड चूज करके टमाटो लेते हो ताकि अच्छे वाले टमाटर आपको मिले, अब आप आँख बंद करके वो दोनों हाथों से टमाटो लो 1 किलो या 2 किलो, 60% टमाटो आपको अच्छे मिलेंगे। स्टैटिस्टिकली वो कभी भी नहीं होगा कि आपको 100% खराब टमाटो मिलेंगे। हम पिक एंड चूज क्यों करते हैं? ताकि हमें अच्छे मिले, ज्यादा से ज्यादा 70-80-90-95% हमें प्याज आलू टमाटर हम सड़े नहीं लेना चाहते क्योंकि हम पैसे दें। बट आप अगर ब्लाइंड रूप से लोगे तो आप अश्योर रहिए कि 60-70% आपको माल अच्छा ही मिलेगा। हाँ, अगर उसमें पूरी खराबी टमाटर लगाए तो फिर आपको 100% खराबी मिलेगी। तो क्वांटिफिकेशन में ये टेल के जो एक्सट्रीम होते हैं वो मैंने निगलेक्ट किए, मैंने जो एवरेज निकाला, सो एवरेज आपकी हाइट आई 5 feet 6 inches और आपका एवरेज वेट आया 52, राइट। सो ये मेरा एवरेज है। अब मैं एवरेज से आपका डेविएशन देखूंगा, तो मैंने क्या किया, जो मेरा एवरेज है उसको मैंने बेस ही है बेस ले लिया एज ए 100। तो से फॉर एग्जाम्पल प्रीति मैडम का वेट आता है 55, मेरा बेस है 52 = 100, तो मैंने 55 और 52 से 100 का एक इंडेक्स बनाया जो 100 को कुछ आएगा। तो मैंने प्रीति मैडम को वो वैल्यू असाइन की, वैसे मैंने आप सबको वो वैल्यू असाइन की और मैंने एक इंडेक्स का रेंज बनाया। दिस इज वॉट वी कॉल इट एज ए मेजरमेंट एस्पेक्ट। अगर क्वालिटेटिव मरे तो अजून कॉम्प्लिकेटेड होता। से मैंने आपको चाय पिलाई और चाय पिलाने के बाद मैंने आपको पूछा चाय कैसी है। आप में से 80% लोगों ने बोला कि चाय अच्छी है, 20% लोगों ने बोला चाय बेकार है। तो हाउ एम आई गोइंग टू कंक्लूड? तो ये मेरा तरीका गलत था आपको पूछने का कि चाय कैसी है। फिर मैं आपको एक क्वेश्चनर एडमिनिस्टर करूँगा, वो क्वेश्चनर में मैं लिका स्केल इस्तेमाल करूँगा और मैं आपसे इनपुट लूंगा और इनपुट लेने के बाद मैं उसका इंडेक्स बनाऊंगा, द टेस्ट ऑफ टी इंडेक्स, और फिर वो मैं इंडेक्स से बताऊंगा कि ये इंडेक्स का वैल्यू, ये ग्रुप को जो चाय एडमिनिस्टर की उसकी वैल्यू ये आई। त्याच्यामुळे एक लक्षात ठेवा, दोज हू आर वर्किंग इन सोशल सायन्स और नॉन सायन्स में जो काम कर रहे हैं, आप क्वांटिफाई करने की कोशिश कीजिए कृपा करके, उससे रिसर्च में मजा आता है। आपने अगर क्वालिटेटिवली किया तो आपका थीसिस पास हो जाएगा, वो आपको डर नहीं, बट यू मस्ट ट्राई टू क्वांटिफाई एंड खूब सारे अवेलेबल टूल्स आए। स्टडी ऑन फार्मासिस्ट एंड आई हैव टू मेजर हाउ मेनी प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट गेट ऑफ जेनेरिक ब्रांड्स एंड प्रिस्क्रिप्शन ब्रांड्स। ऑल्दो आई हैव सीन मेनी डन स्टडीज ऑन अवर साइट्स एंड क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड लाइक व्हाट काइंड ऑफ prescriptions you get usually and तो ये कैसे measure होगा, मतलब if I am just putting a question how many prescriptions you get of branded medicines and generic medicines, so to frame this question and to get a measurable answer I would also have to give the number out of 10 how many you get of branded medicines, right? If I am getting it correct what you said. Okay. Just by framing a question, how many prescriptions you get of branded medicines usually will be a very vague answer. It won't be measurable, right? Absolutely. तुम्हाला मराठी कळतं का? हो हो कळतं सर. हाँ,
आता मी तुम्हाला सोप्या भाषेत सांगतो, फॉरगिव्ह मी फॉर युझिंग मराठी, बिकॉज हर टॉपिक इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट शी सेइंग कि आप जब एक दवाई का प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर द्वारा लिखित एक दवाई की दुकान में लेके जाते हैं, तो वो फार्मासिस्ट आपको वो प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे वो दवाई देता है. आता याच्यातला पहिला मुद्दा असा आहे की डॉक्टर जे प्रिस्क्रिप्शन देतो त्याच्यामध्ये आता याच्यातही आपण कोणताही मुद्दा आपल्याला पहिले अनालाइज करावा लागेल. हे मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह डॉक्टरकडे जातात, हे डॉक्टर लोकांना गोव्याला नेतात, बँगलोरला नेतात, तिकडे पाँडेचेरीला नेतात, ताकि डॉक्टर यांची दवाई प्रिस्क्राईब करेल और इनकी दवाई का सेल बनेल. करेक्ट. तर हे तुमचे ब्रँडेड किंवा याला आपण नॉन जेनेरिक मेडिसिन्स आपण म्हणू. फिर दूसरा जो एक आता है कि डॉक्टर एक जनरली से फॉर एग्जांपल एमोक्सिलिन जो कॉमन एंटीबायोटिक है वो लिख देता है एमोक्सिलिन 500 mg. नाउ एमोक्सिलिन इज अ जेनेरिक नेम फॉर द एंटीबायोटिक. नाउ एमोक्सिलिन आर मेड एंड मार्केटेड बाय डॉक्टर रेड्डी, दे आर ऑल्सो मेड बाय द सिप्ला एंड एन नंबर ऑफ कंपनीज. सो आपको ये देखना है सबसे पहले उसके प्रिस्क्रिप्शन में ब्रांडेड प्रिस्क्राइब कितने किए जाते हैं. कळलं तुम्हाला? है हा पॉइंट नंबर वन. मला विचारायचं की तुम्हाला येणार आहे, आता मी एक माझं उदाहरण देतो. मला एकदा ब्रुफेन प्रिस्क्राइब केली डॉक्टरने. मी एका शासकीय कामाला गेलो होतो, शासकीय पुण्यामध्ये होतो मी, आणि मी एका दुकानात गेलो. मी त्याला म्हटलं बाबा ब्रुफेन दे. मला माहिती होतं ब्रुफेनची एक पट्टी जी आहे ती काहीतरी 150-200 रुपयाची येते. त्या दुकानदाराने मला 65 रुपयाची दिली. तर मी म्हटलं हे काय तुम्ही साहेब, मी तुम्हाला जनरिक देतोय. म्हणतो डॉक्टरने काय लिहून दिलं? तुम्ही डॉक्टरने तुम्हाला जनरल ब्रुफेन लिहून दिली, मी तुम्हाला आयबी ब्रुफेन देतोय जी जनरिक मिळेल. तर मी ती हिंमत करून खाल्ली, मला त्याची इफेक्ट नाही आली. सो आपको पहिला सवाल उसको ये पूछना है कि आपके प्रिस्क्रिप्शन में जनरिक या ब्रांडेड का प्रपोर्शन कितना है. कई बार क्या होता है, फार्मासिस्ट कौन सी दवा देगा पेशेंट को, वो ही देगा जिसमें उसको ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है. अगर डॉक्टर ने जेनरिक लिख के दिया है उसको, जेनरिक लिख के दिया है, तो फार्मासिस्ट को लगता है कि सिप्ला के मेडिसिन पे उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो आपको सिप्ला की दवाई देगा. आणि तुम्ही ती सिप्ला का औषध घेऊन बरी झाल, कारण तुम्हाला प्रिस्क्रिप्शन कळलं असणार. तर सगळ्यात पहिले त्याला आपल्याला विचारायचं आहे की नंबर वन, हाऊ मेनी प्रिस्क्रिप्शन विच आर कमिंग टू दी फार्मसी आर नंबर वन प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर एज अ ब्रांडेड प्रिस्क्राइब मेडिसिन, ब्रांडेड मेडिसिन, एंड सेकंड जस्ट द वर्ड ऑफ जेनरिक. ये नंबर वन. नंबर टू, अब दवाई में कैंसर की भी दवाई हो सकती और हाथ पाव सर्दी बुखार का प्रिस्क्राइब प्रिस्क्रिप्शन करने वाला सर्जन भी हो सकता है और BAMS डॉक्टर भी हो सकता है. तो तुम्हारा कई बताता है मैडम कि प्रिस्क्रिप्शन जो प्रिस्क्रिप्शन टेक्निकली लेटर हेड वर हव, दैट्स व्हाट द लॉ सेज. तो प्रिस्क्राइब करणारा डॉक्टर जो क्वालिफिकेशन का है, आता तुम्हारा याच्यातला गंमत सांगतो. The highly qualified doctor, it is more likely that he will prescribe the branded drug. Now, जेव्हा खूप गरीब लोक हे highly qualified doctor कडे जातात, तो बिचारा त्याची परिस्थिती कपडे बघून तो त्यांना जेनरिक ड्रग प्रिस्क्राइब करतो. ये भी होता है. तो आपको उन्हीं एंगल देखना है कि क्वालिफिकेशन ऑफ डॉक्टर, देन द नेचर ऑफ मेडिसिन इटसेल्फ. आज के तारीख में आपको डायबिटीज, कैंसर से लेकर सब चीजों की जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई गई है. सब एक भी एरिया नहीं है कि यहाँ पे जेनरिक अवेलेबल नहीं है. सो नेचर ऑफ पर्टिकुलर व्हाट यू कॉल ड्रग व्हिच इज बीन प्रिस्क्राइब, वेदर इट इज रिलेटेड टू द क्रॉनिक डिसीज और वेदर इट इज रिलेटेड टू द ऑर्डिनरी सर्दी खोकला ताप कफ पल्स वगैरे याच्याशी, असं तुम्ही त्याची मांडणी करा. आणि मग त्याच्यानंतर तुम्हाला कळेल. See, ultimately, it is the pharmacist who will give the medicine. Okay? Right. Whatever may be prescribed, ek ka apale doctor to hastakshar vasta hai, ek ka to pharmacist la vasta hai. Right? So it will be ultimately pharmacist who will. Now, you as a researcher has to ask pharmacist that the doctor has prescribed generic, whether he or she will give a branded medicine to the customer. Karan, loka aushadha ghetana kadhich vichar karat nahi ki mala tumhi ye ka dilo. जे तो देतो बिचारे लोक घेऊन जातात आणि त्याच्यात लिहिलं असतं दिवसातलं दोनदा घ्या, सकाळी घ्या, दुपारी घ्या, काय जे असेल एकदा डबल चेक करून घ्या कसं घ्यायचं औषध.
तुम्हाला जर फार्मासिस्ट आहे त्याला असे काय म्हणतात पेरिफेरल प्रश्न तुम्हाला डिझाईन करावे लागतील. अल्टिमेटली तुमचं ऑब्जेक्टिव्ह काय मॅडम, तुम्हाला काय अचीव्ह करायचं आहे याच्यातून, व्हॉट यू वॉन्ट टू अचीव्ह? सर मला जेनेरिक मेडिसिन मार्केटिंग मॉड्यूल डिझाईन करायचं आहे. बर बर, म्हणजे डिफरंट फ्रॉम करंट मार्केटिंग मॉड्यूल, हाउ कॅन इट वर्क बेटर? सो आय वॉन्ट टू डिझाईन अ डिफरंट मार्केटिंग मॉड्यूल टू मार्केट जेनेरिक मेडिसिन. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज डी डिफरन्स बिटवीन ब्रांडेड अँड जेनेरिक मेडिसिन इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ ऍडव्हर्टिजमेंट, है ना. मोठ्या कंपन्या जाहिराती करतात, तुम्ही अॅबॉटची जाहिरात बघा येते टीव्हीवर, अॅबॉटची औषधं महाग आहेत, राईट. डॉक्टर रेड्डीच्या पेपरात जाहिरात येतात, अरविंदोच्या जाहिरात येतात, ते एक्सपेन्सिव्ह. बिकॉज अँड सेकंड इज अ कॉस्ट ऑफ रिसर्च इटसेल्फ. इफ दी व्हॉट यू कॉल ज्याला आपण पेटेंटेड औषध म्हणतो, माझा थोडा या विषयावर अभ्यास आहे, एकदा पेटेंट रिलीज झाला की देन एनीबडी कॅन कॉपी दॅट. वन इज अ प्रोसेस पेटेंट अँड वन इज अ प्रॉडक्ट पेटेंट. सो इन जनरिक वी आर युझिंग प्रॉडक्ट पेटेंट, सॉरी वी आर युझिंग प्रोसेस पेटेंट इन इंडिया, की एका पद्धतीने ती बनवली जाते अमेरिकेत काय त्या वेगळ्या पद्धतीने बनवून त्याला आपण बनवू. सो मार्केटिंग जनरिकचं करण्यासाठी यू विल क्रिएट फर्स्ट दी अवेअरनेस. म्हणजे तुम्हाला फार्मसी सोबत तुम्हाला एक काम करायचं आहे, जेवढे पेशंट असतात अस्पताल में आपको तो बहुत मिलेंगे, रामदासपेट धंतुली में बहुत मिलेंगे, उनको आपको जाके मिलना है कि योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, योर एबिलिटी एंड ड्यूरेशन फॉर विच यू आर ट्रेनिंग. म्हणजे आता मी तुम्हाला सांगतो, माझी आई स्वतः क्रोनिक डायबिटिक आहे फ्रॉम दी एज ऑफ 25. शी इज ऑन लाईफ टाईम मेडिकेशन. ती दिवसात 16 औषधं घेते, 16 गोळ्या, सकाळी 8 संध्याकाळी 8. बट फॉर्च्युनेटली माय फादर वॉज अ व्हेरी सिनियर ब्युरोक्रॅट, तर ते आम्हाला गव्हर्नमेंटकडनं फ्री मिळतं फॉर्च्युनेटली. बट दे आर ऑल ब्रँडेड, दे आर व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. इफ यू ट्राय टू बाय फ्रॉम द मार्केट, तर ते कमीत कमी महिन्याचे 12-13 हजार रुपयाचे औषधं आहेत ते. तर तुम्हाला, तुम्ही जेव्हा सॅम्पल करेक्ट कराल, यू गो टू दी हॉस्पिटल इटसेल्फ, बिकॉज ट्रॅकिंग पेशंट ॲट अ फार्मसिस्ट विल बी स्लो. एखाद्या फार्मसीमध्ये तुम्ही सकाळी जाऊन बसला तर दिवसात त्याला 100-200 लोक येतील प्रिस्क्रिप्शन वाले. पण ते जर तुम्ही दवाखान्यात गेलं तर तुम्हाला किलोच्या भावानी ते लोक मिळतील, राईट. फक्त ते त्या मनस्थितीमध्ये आहेत का उत्तर द्यायचं, तो एक डेलिकेट प्रॉब्लेम होईल. पण तुम्ही जर व्हाईट ऍप्रन वगैरे जर घालून तिथे गेला, हॉस्पिटलची परमिशन घेतली, तर तुम्हाला तो डेटा लगेच कमी वेळात होईल. सो हे व्हॉट यू हॅव टू डू, यू हॅव टू अंडरस्टँड वन वेदर दी इन्कम बेरिंग कपॅसिटी, दी परचेसिंग बेरिंग कपॅसिटी, वेदर दे आर economically well to do to buy the branded product, their awareness towards the generic, how they see generic. And bares da loko jeva generic mhanta tanna vata re nahi nahi meko ye dawa khana hai to mai achhi wali dawa khaunga palki sasti dawa mai nahi khata, ha ek mindset asto. Loko apne sharira sobat compromise nahi kela, tyancho perception tumhi gya, nantar tumhi doctor la nahi bheta, medical representative la nahi bheta, आणि सगळ्यात छोटी फार्मसिस्टला भेटा. तर याच्यावर तुम्हाला एक परसेप्शन कळेल की जनरिकचं परसेप्शन कसं आहे. वन्स यू अंडरस्टँड द परसेप्शन ऑफ जनरिक, देन यू कॅन बिल्ड अ मार्केटिंग मॉड्यूल ऑन दॅट. ओके सर, जसं आता तुम्ही म्हटलं की कोरिलेशन वरनं आपण कन्क्लूड नाही करू शकत, आतापर्यंत जो हा खूप चांगला पॉइंट आहे. आतापर्यंत मला असं वाटायचं, जर का मी कोणाला विचारलं की अगर आपको क्वालिटी लगता है क्या, अँड इफ आय फाउंड की 10 पैकी 9 लोकांना असं वाटतं की जेनेरिकची क्वालिटी चांगली नाही आहे म्हणून ते परचेस नाही करत आहे, बट इट इज अ कोरिलेशन, देन हाऊ कॅन वी प्रूव्ह दिस? इट इज अ परसेप्शन ओनली. जस्ट लाईक मेड इन चायना के जो प्रोडक्ट रहते वो सस्ते आते, मेड इन जपानचे प्रोडक्ट महंगे आहेत. हे बघा, मी असं नाही म्हणत जेनरिक हे वाईट आहे. काय असतं, आता आमच्या धरमपेठमध्ये एक जेनरिक सरकारचं दुकान आहे, मी बरेच त्याच्याशी चर्चा करायला होतो, कारण मागचे काही एमपी मधून रिलेटिव्ह येतात, तर ते म्हणतात तुमच्या नागपूरला ती एक पर्टिक्युलर औषध मिळतं, ते स्लीप डिप्रायव्हेशनचं ते औषध आहे. इट इज अ पोटेन्सी ऑफ दी ड्रग दॅट मॅटर. कोणतंही ड्रग घेताना ते किती पोटंट आहे. So, if a potency of a branded drug as well as the generic drug is the same, then the impact will be the similar. Hai na? But bares da branded drug chi potency hi jasti aste. Manje, for example, sopya bhashet, tumhi jo 10 goya ghetla to branded madhe tumhi lavkar 200 vaal. But generic madhe kadachit tumhala 20 goya ghyavya lagtil. Hey, mi ek general
स्टेटमेंट करतो बरं, आय एम नॉट ऑथोराइज टू मेक अ स्टेटमेंट, बट ते होऊ शकतो, अदरवाइज काहीही त्याच्यातला फरक नाही, काही फरक नाही. कंपोजिशन, मॉलिक्युलर कंपोजिशन इज अ सेम, द ट्रीटमेंट फॉर विच इट इज प्रिस्क्राइब इज अ सेम, नेचर अँड ड्युरेशन ऑफ ट्रीटमेंट माय डिफर. अदरवाइज म्हणजे तुम्ही साधं च्यवनप्राश खा किंवा सोनं टाकलेलं च्यवनप्राश खा, बहुतेक सोनं टाकलेलं च्यवनप्राशचे रिझल्ट चांगले असते इम्युनिटीसाठी. साधं च्यवनप्राश त्याला वेळ लागेल, है ना, जे सुवर्ण भस्म वगैरे टाकतात ते महाग असतं. दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन अ ब्रँडेड एजन. तुमचा टॉपिक खूप इंटरेस्टिंग आहे बिकॉज इट इज अ इमर्जिंग फील्ड, अँड आपल्याला गावात जे गरीब लोक आहेत ते याचं टार्गेट आहे. तुम्ही आपण याचे टार्गेट नाही आहे. आय स्टील प्रिफर जनरिक, आमच्या घरी तर आम्ही होमिओपॅथी फॉलो करतो, पण आय प्रिफर की जनरिक सुद्धा असणं आवश्यक आहे, कारण अफोर्डेबिलिटी इज वन एलिमेंट, बट बीइंग अफ्लुएंट डझंट मीन यू शुड कंज्यूम ओनली दी ब्रँडेड प्रॉडक्ट. बट इन इंडिया वी हॅव अराउंड 60% पीपल हू कांट अफोर्ड ब्रँडेड मेडिसिन, सो जनरिक इज ओनली द ऑप्शन दॅट वी हॅव. तर त्या पद्धतीने तुम्ही ते ठरवावं लागेल. बिलकुल, थँक्यू सो मच सर. हां ठीक आहे, चलो थोडंसं आगे बढते है. अभी देखो ये ऑनलाइन करने का ये घाटा है, अगर हम ऑफलाइन में होते ना तो हमें चाय पीते पीते मैडम से बात हो रही थी. आप लोगों को थोड़ा आपका 7-8 मिनट का समय है, सो अचीवेबल, आपके 5 साल में आपका रिसर्च अचीव होना चाहिए. और इज रिलेवेंट, जो मैंने आपको पहले बोला था कि अभी जो करंट है, जैसे इनका टॉपिक है, ये रिलेवेंट है आज के तारीख में. कोई अगर इम्पैक्ट ऑफ कोरोना ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर बोल रहे होंगे तो वो भी रिलेवेंट है. तो साधारण 5 ते 10 वर्ष आगे मागेचा प्रॉब्लेम तुम्हाला घेतला लागेल. अगदी जुना प्रॉब्लेम घेऊन तुम्ही करू शकत नाही. हाउएव्हर, इफ यू वॉन्ट टू मेक अ डिस्कवरी, सो यू मे सिलेक्ट अ टॉपिक ऑफ रोल ऑफ गांधीज अहिंसा मूवमेंट इन फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया. यू कैन थ्रो न्यू लाइट ऑन दैट. ये मैं नहीं कहता कि वो रिलेवेंट नहीं है, पर आपको अगर लगता है कि आप ऐसी कोई नई जानकारी ढूंढ सकते हो तो हिस्ट्री में और आर्ट्स लिटरेचर में आप वो चीजें कर सकते हो. अदर देन दैट, ऑल द टॉपिक शुड हैव अ रिलेवेंट सब्जेक्ट टू बी अंडरटेकन इन अ टाइम बाउंड जो आपके अचीवमेंट से रिलेटेड है. सो मोटिवेशन फॉर रिसर्च, सकरान ने बोला था, इट इज अ प्रोसेस फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम आफ्टर मेकिंग डीप एनालिसिस. अभी जो हमने फार्मेसी के बारे में डिस्कशन किया वो एक वर्बल डिस्कशन था 3-4 मिनट का, बट आपको इन डेप्थ जाने का. Anything that you are under study, आपको 360 degree से उसको समझ लेना है, and then conducting study of living factor की कौन से factor इसको affect कर रहे, उसका मैं जो है study करूँगा. So madam के case में अगर पता चला कि lack of awareness, लोगों का डर, कि लोगों का डर है कि यार ये मैं जेनेरिक लेने से मैं ठीक नहीं होऊंगा या मैं अफेक्ट करूंगा या मेरे को और छुट्टी लेनी पड़ती होगी तो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्ट होगी. तो देन व्हाट आर दी रिलेवेंट फैक्टर दैट आर अफेक्टिंग द स्लो टेक ऑफ ऑफ दी जनरिक, ये एक हो गया. या फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है क्योंकि फार्मासिस्ट को ज़्यादा पैसे मिलते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट में, वो लोगों को ब्रांडेड दवाई देते जा रहा है. तो दीज आर दी सम ऑफ द रिलेवेंट फैक्टर जो आपके एनालिसिस को सपोर्ट करेगी, राइट. सो मेथड जब डिजाइन की जाती है, सो दैट वॉट एवर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इज रीजनेबल and it is supported by both qualitative and quantitative data. So इसमें भी आपकी एक systematic process आती है, जो जब भी मेरे को organize और वो पूछा गया था systematic का, तो again here, again it is a subdomain कि मैं जो भी जानकारी ले रहा हूँ वो reasonable है और उसका both qualitative quantitative data available है. मैं हवा से कोई जानकारी ला के वो काम नहीं कर रहा, right? Then it includes the process of designing research methods. Now take the case of what this particular madam is doing. So, उनको वो reach है, उनका objective है generic का model बनाने का, marketing model. So whatever process or method she will design to conduct this particular research objective, to achieve this research objective, वो उनका research design होगा, जिसमें कि data collect किया जाएगा, data को describe किया जाएगा और report किया जाएगा. So thus in research we find answers that resolve the uncertainties of a problem. Yahan pe uncertainty kya hai madam ke case mein, ki log generic dawai kyun nahi lete, to wo uncertainty overcome karne ke liye aapka research wo usko address karega. So end of the research aapko pata chalega.
Now, for your examination point of view, this is very important. First, develop the problem, define and delimit it. मतलब delimit का मतलब इसके across आपको लक्ष्मण रेखा डाल देने का है, ताकि आपका स्टडी जो है वो नैरो है, फोकस है, आप अन चार्टेड एरिया में आपका रिसर्च है. कई बार होता है कैंडिडेट भटक जाते हैं, बहुत लोग, हम भी भटकते हैं, पर आपको वो ऐसा सोचना चाहिए कि मैं मेरे ऑब्जेक्टिव से दूर नहीं जाऊँ, इसलिए उसको डिलीमिट करना पड़ता है. सो आइडेंटिफाइंग दी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, प्रत्येक संशोधकाला कळलं पाहिजे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल. आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, आपके पास अगर होंडा एक्टिवा है और आप उसका एक्सीलरेटर 10 डिग्री से अगर ऊपर करते हो, तो आपके होंडा एक्टिवा की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से बढ़ती है. सो हियर द स्पीड इज अ डिपेंडेंट पैरामीटर, राइट? सो स्पीड डिपेंड ऑन, सॉरी, स्पीड इज इंडिपेंडेंट, स्पीड इज डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ एक्सीलरेटर. सो हायर द डिग्री ऑफ एक्सीलरेटर, हायर विल बी द स्पीड, राइट? तो जिसको स्टैटिस्टिक्स में हम वन वेरिएबल या यूनिवेरिएट रिलेशनशिप कहते हैं. देन यू हैव बाई वेरिएट एंड देन मल्टी वेरिएट रिलेशनशिप. सो एक चीज के ऊपर मल्टीपल पैरामीटर काम करते हैं, तो जो डिपेंड होता है दूसरे के ऊपर वो इंडिपेंडेंट, और जो जिसके वजह से अफेक्ट आता है वो दोनों पैरामीटर आपको स्टडी में, आपका जो भी टॉपिक है उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है. जरूरी नहीं कि हर स्टडी में आपको ये पैरामीटर मिलेंगे, बट अगर आपको रिलेशनशिप, हाँ बोला, हाँ सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, आवाज खूप क्लियर येतोय, फक्त आवाज थोडा बारीक झालाय सर. बारीक झालाय का? नाही नाही, बोलतो मी, थोडा मोठ्याने बोलतो. सो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आपल्याला कळले पाहिजे आपल्या स्टडीमध्ये. सो जेव्हा तुम्ही प्रॉब्लेम स्टेटमेंट रिफाईन करता, हायपोथेसिस लिहायच्या आधी आपले व्हेरिएबल आले पाहिजे, बिकॉज ओनली बेस्ड ऑन दिस व्हेरिएबल वी आर गोइंग टू कंडक्ट अवर स्टॅटिस्टिकल टेस्ट अँड देन अप्रूव अँड डिसअप्रूव अवर हायपोथेसिस, राईट? उसके ऊपर मैं थोड़ा आगे और आऊंगा. फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, अगेन ये आपका जो आज से सेशन चालू हुआ है, आप इसके ऊपर भी आपको सेशंस मिलेंगे. हाइपोथेसिस इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेड आउटकम, राइट? सो ये जो मैडम फार्मेसी के ऊपर कर रही है, इनका एक्सपेक्टेड आउटकम उनको मालूम है कि जेनरिक दवाइयाँ क्यों नहीं चलती, और उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए उनको वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे. वो वेरिएबल के बेस के ऊपर इनको हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा. इट्स ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, ड्यू टू लैक ऑफ फियर. हेलो सर, स्टैटिस्टिकली प्रूव करना पड़ेगा. हाँ बोला सर. साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्लाइड चालू आहे, बरोबर आहे ना? हो, यस यस यस, ओके, चालू. हाइपोथेसिस, सो एंटिसिपेटेड आउटकम. सो बिफोर वी स्टार्ट अवर जर्नी, वी शुड नो दी एंटिसिपेटेड आउटकम, की मेरा जर्नी का आउटकम क्या रहेगा. आप सबने हाइपोथेसिस आपके सिनॉप्सिस में बनाए हुए. अब कैसा होता है, हाइपोथेसिस कैन ओनली बी टेस्टेड बाय स्टैटिस्टिकल टूल. कौन से भी रिसर्च स्टडी में कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 होनी चाहिए हाइपोथेसिस. आप 10 भी ले सकते हो अगर आपका टॉपिक वैसा है, बट 3 से 6, 7, 8 मैक्स टू मैक्स हो जाएंगे. उसके आगे इट बिकम्स नॉट रिलीवेंट, बिकॉज देन यू आर टेस्टिंग टू मेनी वेरिएबल. सो आपको हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिकली टेस्ट करनी. अब कई बार पीएचडी थीसिस में मैंने देखा है कि कैंडिडेट पाई चार्ट, बार चार्ट बनाता है, यस नो के बेसिस पे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट रिजेक्ट करता है, हे चालतं, ओके. पण तुम्हाला या पद्धतीचं जो प्रशिक्षण मिळत असेल आणि तुम्ही काही केले असतील हायपोथेसिस चुकीचे तुमच्या सिनॉप्सिस मध्ये, यू कॅन ऍड द न्यू हायपोथेसिस, यू कॅनॉट डिलीट, बरं का? तुम्ही तुमच्या गाईडची परमिशन घेऊन सांगा की सर, काम करताना मला काही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप दिसले, आय वॉन्टेड टू ऍड एक्स्ट्रा हायपोथेसिस अँड प्रूव इट ड्यूरिंग माय स्टडी. बट आपका अगर एक्झिस्टिंग है तो आपको डिलीट करने का कोई भी ऑथॉरिटी युनिव्हर्सिटी नाही देता है. मग ते प्रकरण कॉम्प्लिकेट होतं, त्यामुळे डिलीट काही करू नका, तुम्हाला निश्चितपणे काहीतरी ऍड करा तुम्ही. अँड दिस इज अ फ्लेक्सिबिलिटी गिव्हन टू द कॅन्डिडेट, प्रोव्हाइडेड युअर एक्सटर्नल युअर ऍडवायझर इज इन्फॉर्म अबाउट इट, राईट? हा बोला, काही प्रश्न आहे का? सर मला सजेशन मिळालं होतं की हायपोथेसिस माझे जास्त आहे तर तुम्ही कमी करा, असं मला ते लिहून आलं होतं. मला जेव्हा माझं रजिस्ट्रेशन आलं ना त्यामध्ये किती होते मार्क्स हायपोथेसिस मॅडम, किती होते सर? 14. नाही,
14 तुम्ही एक 14 काम करा, त्याच्यातले 6 कापून टाका जे तुम्हाला इरिलेव्हंट वाटतं. ओके. तुम्ही कापले आहेत का आत्तापर्यंत? हां सर. आत्तापर्यंत कट केले आहेत का तुम्ही? नाही सर, म्हणजे मला रजिस्ट्रेशन वगैरे झालं, माझा वायवा झाला म्हणजे झाला तो, त्यामध्ये मग मला जेव्हा ते आलं घरी तर ते मी रिझल्ट लिहून आलं. बर, त्यानंतर तर मग रिपोर्ट मध्ये वगैरे मग नंतर ते करून नाही कोरोनामुळे आम्ही. ठीक आहे, दॅट इज गुड. आता एक काम करा, हे सगळे तुमचं जे काही 7-8 दिवस हे सेशन चालणार आहे पीपीएडी, ते झाल्यावर तुम्ही जे उरलेले 8 आहेत तुमचे, ते तुम्ही 14 टाकलेत ना, हो 8 तुम्हाला उरलायचे, 6 ते 8 जे तुम्हाला वाटतात की युजफुल नाही आहेत यू डिलीट इट. 14 हे खूप जास्ती झालेत, बरोबर आहे. 6च्या वर शक्यतो जायचं नाही, 6च्या वर गेलं की मग 7-8 ला त्रास होतो काय. मग शेवटी एक्झामिनर हा विचारतो की कॅन्डिडेट करणं काय चार आहे, वो इतने सारे क्यों देखना चाह रहे, राइट. इफ द सब्जेक्ट डिमांड्स इट देन इट्स ओके, बट इफ द सब्जेक्ट डझंट डिमांड इट देन इट इट इज टू मच. त्याच्यामुळे हो तुम्ही हे सगळं आजपासनं, आजची तारीख आहे 10 तारीख आहे ना, 11 तारीख, तुम्ही 10, 21, 22 तारखेला हे सगळं तुम्ही काढा. आता इमिजिएटली नाही पाहू ना, पण डेफिनेटली इट टू मच, यू डोंट नीड दॅट मच. मॅक्सिमम 8 8 ही खूप क्लिष्ट असतात, पण 6 ऑप्टिमम, 3 ते 6 मध्ये आम्ही जास्तीत जास्त प्रिफर करतो. ठीक आहे, डेटा कलेक्शन आणि दुसरा क्वेश्चन सर, हायपोथेसिस आपण जेव्हा टेंटेटिव्ह सेंटर म्हणतो, आपण सेंटेन्स, पण ते आपण हायपोथेसिस करतो सर, त्यासाठी आपण ऑब्झर्वेशन विजिट मस्ट असते का, जिथे कुठे आपण रिसर्च प्लेस आहे, जेणेकरून आपल्याला त्या, माझं आहे स्कूल फॅसिलिटी रिलेटेड आहे, समजा सब्जेक्ट स्टडी मेथडॉलॉजी आहे, एनएमसी स्कूलचं माझं आहे स्टडी, की तिथे फॅसिलिटीज कशा आहे आणि तिथले सोशल एज्युकेशन सिस्टीम कशी आहे, तर तिथे मी सगळं जर जाऊन माझ्या हायपोथेसिस बनवायचे की फक्त जस्ट इन्फॉर्मेशन घ्यायची इंटरनेटवर आणि मग हायपोथेसिस बनवायचे असं असतं का? नाही, आता तुम्ही हा जेव्हा विषय निवडला असेल तर इट इज अज्युम की तुम्हाला या विषयासंबंधी थोडं काहीतरी नॉलेज असेल. फॉर एक्झाम्पल, एनएमसीच्या आधी पत्त्याखाली ज्या शाळा येतात त्यांची असलेली दयनीय अवस्था ही सगळ्यांना माहिती आहे. तर आपण तुम्ही एका, मी त्याला म्हणतो 20% नॉलेजवर तुम्ही हा विषय निवडला असेल. आता हायपोथेसिस बनवायच्या वेळेस जर तुम्हाला वेळ असेल तर अवश्य तुम्ही फिजिकल विजिट दिलेला या बेटर. जनरली लोक तसं करत नाही, नेटवर्क घेणं हे फार डेंजरस असतं, कारण नेटवर्क क्रेडिबिलिटी हा एक प्रश्न आहे. सर म्हणून विचारते, माझं ऑलरेडी माझे विजिट झाले सर तिथे, माझ्या फील्डवर आम्हाला प्रॅक्टिकल होतं ना, तिथून मला हा सब्जेक्ट माझा क्लिक झाला की मी आय विल डू पीएचडी ऑन दॅट टॉपिक, कारण की मला ते प्रॉब्लेम माझ्या स्टुडंट लाईफ मध्ये मला, म्हणून आता पीएचडी करते त्या सब्जेक्ट. हा, मग आता तुम्हाला फिजिकली विजिट करायची काही गरज नाही. आता आम्ही फॉर एक्झाम्पल, आम्ही महाराष्ट्रात शिक्षण धोरण आणि शिक्षण पद्धतीवर आम्ही गेले 8 वर्ष खूप काम केलं, तर आता मला असं कळतं की आम्ही जेव्हा रिपीट काम करतो ना, तर 70% प्रॉब्लेम सेम आहेत आमचे. 70% जो सेम प्रॉब्लेम, कारण शासनाची म्हणजे कोणतंही सरकार असो मुंबईमध्ये, शासकीय प्रणालीमध्ये ते प्रॉब्लेम तसेच आहेत. किंवा किमान तुम्हाला काही नवीन दिसतात एखाद्या एरियामध्ये, बट रिपिटेटिव्ह प्रॉब्लेम्स आहे 60%. त्याच्यामुळे तुम्ही काही फिजिकली व्हिजिटला नका जाऊ, पण ते जे तुम्ही मानता हायपोथेसिस ते तुम्ही फक्त स्टॅटिस्टिकली प्रूव्ह करा. म्हणजे तुम्ही जे इन्फ्रास्ट्रक्चर बद्दल म्हणत असाल, तर तुम्हाला मग तिथला स्टाफ, तिथला चपरासी, तिथले टीचर, तिथले विद्यार्थी, तिथले माजी विद्यार्थी, ॲल्युमिनाय सुद्धा तुम्हाला घ्यावे लागतील, त्यांचंही परसेप्शन घ्यावं लागेल. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट, एनएमसीच्या ज्या शाळा विभागाचा जो संबंधित अधिकारी आहे, त्या अधिकाऱ्याचं मत सुद्धा तुमच्या अनालिसिसमध्ये असणं आवश्यक आहे. आता होतं काय, अधिकारी 100 कारण देईल तुम्हाला, अरे साहेब ते फंड आले नाही, अरे ते टेंडर कॅन्सल झालं, अरे ते असं झालं तसं आलं, पण तरी सुद्धा त्या साहेबाचं मत तुमच्या अनालिसिस मध्ये असणं आवश्यक आहे, मग त्याची क्रेडिबिलिटी एस्टॅब्लिश होते. ठीक आहे ना सर? तुम्ही बरोबर बोलले सर. मला काय होत आहे, पॅन्डेमिक मी डेटा कलेक्शन केलं सर, काय होत आहे आता हे डिस्क्लोज करायला पाहिजे नाही, पण मी काय करताय सर, मला डाटा कलेक्शन करताना पण हे लोक ना मला हे नाही करताय, सपोर्ट न देत आहे, त्यांना इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नाही करायची शाळेची, थोडासा मला ते त्रास देत नाही. नाही नाही, मी तुम्हाला सांगतो, आता मी शिक्षण विभाग बद्दल काम केलंय,
माहितीच्या अधिकारामध्ये तुम्हाला सगळं मिळतं. तर आप सब लोग सुन लो हा, कोई भी रिसर्चर डेटा कलेक्ट करते समय एक आपका पीएचडी का जो रजिस्ट्रेशन का लेटर है उसकी कॉपी, आपके गाइड से एक लेटर आपको लेने का है कि ये केवल और केवल आध्यात्मिक 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 मतलब फिलोसफी है, ये केवल एकेडमिक पर्पस के लिए रिसर्च किया जा रहा है. जो भी जानकारी मिलेगी ये गुप्त रखी जाएगी और इसे किसी कमर्शियल इंटरेस्ट या किसी के व्यक्तिगत एनिमी के लिए इसका इस्तेमाल किया नहीं जाएगा, ऐसा पत्र लेगा. उसके बाद भी अगर वो बोलता है डेटा नहीं देगा तो राइट टू इन्फॉर्मेशन माहितीच्या अधिकारामध्ये तुम्हाला 45 दिवसाची माहिती मिळते, हे लक्षात ठेवा. आता आम्ही जेव्हा शासनासाठी काम करतो आमच्याकडे पत्र असतात शासनाची, इव्हन आम्हाला ते विचारतात, फोन लावून आम्ही व्हेरीफाय केलं गेलं की आप फोन हो ये डेटा तू मागलो, त्यांना द्यावी लागते म्हणजे लागते असा माहितीच्या अधिकाराच्यामध्ये ध्यान मिळा. एनएमसी कमिशनरला जाऊन भेटा, सोमवारी एनएमसी कमिशनरला भेटा, म्हणा मी हे काम करताय या अधिकाऱ्याने. हे बघा होतं काय माहिती का, तुम्हाला तुमचा थीसिस करायचा, तू जो अधिकारी तुमची अडवणूक करतोय ना त्याला आपलं काहीतरी सर्टिफिकेट लपवायचे, ओके. तो देत नसेल तर तुम्ही कमिशनरला म्हणा की साहेब मी यांना जाऊन भेटते, माझी नम्र विनंती आहे, एखादा फोन गेला की मी माहिती मिळते, माहिती काढता आली पाहिजे. तो सुद्धा एक रिसर्चचा पार्ट आहे बरं का, वो टेक्निक आपको पता रहनी चाहिए. राइट टू इन्फॉर्मेशन मध्ये सगळी माहिती मिळते, 10 रुपयात ऑनलाइन सगळी माहिती मिळते, आपको लेना है नहीं तो आपका रिसर्च हैंडीकैप रह जाएगा. या स्लाइड नंतर आपण ब्रेक घ्यायचा का? हो बिल्कुल बिल्कुल. डेटा कलेक्शन इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी, व्हाट डू आई मीन बाय दैट, व्हाटएवर डेटा यू कलेक्ट, से यू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, तो आपको मालूम है किस तरीके से किया गया. अगर आप खुद करते हो तो आप 100% अश्योर्ड हो. बरेचदा आम्ही जेव्हा मोठे काम घेतो तर आम्ही आधी ट्रेनिंग देतो आणि त्याच्यानंतर त्यांना सांगतो की कोणत्या पद्धतीने डेटा कलेक्ट करायचा. सो डेटा की इंटरनल व्हॅलिडिटी आपको देखना जरूरी है. एक्सटर्नल व्हॅलिडिटी मतलब आपके पास अगर सेकेंडरी डेटा आ रहा है, सपोज ये मैडम ने किसी वेबसाइट पे से डेटा ले लिया एनएमसी का, और एनएमसी वाला मैडम मला वाटतं एक वेबसाइट आहे, आता मला त्याचं लिंक माहीत नाही, पण तुम्ही जर चेक केली तर महाराष्ट्र सरकार जे आहे शिक्षण विभाग ते मोठ्या शहरांच्या अंडरटेकिंगमध्ये चालवणाऱ्या ज्या जिल्हा परिषद एनएमसी म्हणजे म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनच्या आहे त्याचा सगळा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल आहे. यू डायस मध्ये तुम्ही जाऊन चेक करा, यू डायस मध्ये तुम्हाला तो मिळेल. आप अगर कोई भी डेटा गवर्नमेंट सोर्स है, हम जो लोग काम करते हैं ना हमारा मैक्सिमम डेटा गवर्नमेंट से होता है या वर्ल्ड बैंक से होता है या एशियन डेवलप, बाकी कोणताही डेटा घेऊ नका, बरं का. डेटा हा चुकीचा मिळायचं खूप चान्सेस असतात, त्याच्यामुळे व्हॅलिडिटी ऑफ डेटा इज इम्पॉर्टंट. देन दी अनालिसिस ऑफ डेटा विच इज डन ओनली युझिंग एक्सेल और दी SPSS अँड देन दी इंटरप्रिटेशन ऑफ रिझल्ट. सो ही एक सायंटिफिक मेथड हो गई. बघा आता वाजले किती आहेत, आता वाजले 12:13. आपण एक 5 मिनिटाचा ब्रेक घेऊ आणि 12:18 आपण आपण मीटिंग कंटिन्यू तशीच ठेवूया, फक्त रिफ्रेशमेंट साठी हे लोक जाऊ शकतात. यस यस 5 मिनिट. फ्रेंड्स कोई भी मीटिंग को लीव मत करिए, मीटिंग वैसे ही चालू रहने दीजिए एंड जस्ट डू रिफ्रेश विद इन 5 मिनिट्स एंड कम बैक. ओके ओके सर.